Hi students, so full suggested SCMP November 2022, suggested answers leaked, not leaked, but I have made them completely. Two types of students should watch this video. First, jin logon ne abhi abhi exam diya hai, who want to be finding out ki approximately un logon ko kitna marks milega. So I'm going to be completely solving. That is one thing. Detailed solution I will be giving of around 35 sides, pura ka pura, theek hai. Second, jin logon ka time May 2023 hai, then use this answer of mine to check ki aap log bhi yahi likhte ya nahi. Agar aap logon ne already ek bar khud ba khud solve kiya hai, use it to check ki tumhare answers jo hai correct hai ki nahi. To self assessment karo, that will always be better. Now coming to the question paper टोटली 6 क्वेश्चन थे, तो हमेशा की तरह फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग कंपलसरी, बाकी 5 में से यू ट्राई टू बी अटेम्प्टिंग एनी 4. हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट्स होता है 2A 2B, क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजुअली 1 सिंगल क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन नंबर 4 का यूजुअली 3 पार्ट्स होता है ABNC फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, और 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन का 10 मार्क्स का. सो इट वॉज अ स्टैंडर्ड पेपर. ओके, नाउ द गुड थिंग इज दैट all the questions were almost similar to whatever we all have done. Aisa ek bhi question nahi tha jo hum logon ne classroom ke andar nahi kiya hua. We all have given you all 3 books. First was your practical book, second one was your case study and theory book, third one was case study digest book. Sare ke sare questions inhi teenon books ke andar se the. I will also be giving the references. Now this is just to re-insure those particular people कि आप लोग अगर सब cover up करोगे, automatically question paper is going to be easy for you. याद रखना, किसी बच्चे के लिए tough जाएगा, किसी बच्चे के लिए वो easy जाएगा, question paper तो same है. The difference is always in your preparation. Prepare hard, there are no shortcuts for all these things. Do the entire thing, confidence will always be better. Now without wasting any more time, I'm going to be solving this thing. जहां पर बहुत ज्यादा theory है, I've already made the suggested. In case you want the suggested, which I'll be showing also, then please message us on our Telegram ID @AJNext and we will be giving you all the suggested of 35 sites. आपको print करना है या soft copy में रखना है, वो आपकी मर्जी है. Whenever you are messaging, please mention 3 things: your name, your phone number, and the attempt. या November 22 या May 23. ओके, तो ये दोनों में से एक चीज रखना, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल जो था वो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इफ यू विल बी थिंकिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑल हैव डन, इन एनी केस लेट अस स्टार्ट. ये वाला जो क्वेश्चन था ये होटल सेक्टर का था. नाउ जो सजेस्टेड मैंने प्रिपेयर किया है उसके शुरू के अंदर एक इंडेक्स है दैट टेल्स यू हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस सजेस्टेड के अंदर वो किधर है, द पेज नंबर्स, ऑल दोस थिंग्स आई हैव रिटन. अगर किधर कुछ इंसिडेंटल मिस्टेक वगैरह वो हो जाए, देन इन दैट केस प्लीज यू ऑल कैन राइट टू अस. और कभी कभी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं. मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट के लिए बोल रहा हूँ. आपका एक ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 5A या 4C, आई डोंट मच रिमेंबर, थोड़ी देर में पता वो चली जाएगा. ICA ने उधर डिपार्टमेंट का ही नाम गलत लिख दिया. आई ऑनेस्टली स्टार्ट टू बी थिंकिंग कि ये लोग प्रूफ रीडिंग नहीं करते, ना फीडबैक कंट्रोल होता है ना फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है इन इंस्टीट्यूट सिस्टम. यू ऑल शुड सेट अ क्वेश्चन पेपर विच इज फार परफेक्ट. ओके, सो इफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट्स लेके गिव द क्वेश्चन पेपर टू सम ऑफ द टीचर्स, ताकि दोज गाइस कैन टेल यू कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो एरर्स किधर हैं. आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑल्सो इफ वी कैन नॉट मेक करेक्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो इट इज अ करेक्ट थिंग ऑन पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट. ओके, तो चलिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही था ऑन अ एयरलाइन सेक्टर, वो हमारे बुक नंबर 2 के अंदर था. बुक नंबर 2 इज केस स्टडी एंड थ्योरी बुक, चैप्टर नंबर 11 जो बजटरी कंट्रोल का है वहां पे वो केस स्टडी नंबर 3 था. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन, बस वो एयरलाइंस का था और ये वाला जो क्वेश्चन है ये होटल सेक्टर के ऊपर उन लोगों ने थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके वो दे दिया था. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवे विद द क्वेश्चन. ये तो सॉल्यूशन है, आई विल स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चन. रिजवने होटल इज एन होटल चेन ऑफ लग्जरी होटल्स बेस्ड इन न्यू दिल्ली विद ओवर 100 होटल्स. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन्स ऑफ द कंट्री. इट हैज अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टू ऑपरेट वन ऑफ द होटल्स एज पार्ट ऑफ द लग्जरी कलेक्शन ऑफ फ्रूटिशन इंटरनेशनल. इट इज द बिगेस्ट होटल बिजनेस ऑपरेटर विद इन द डोमेस्टिक एंड वेल एस्टैब्लिश प्लेयर इन द इंटरनेशनल
होटल बिजनेस सेगमेंट। तो ये वाली जो कंपनीज हैं, ये वाली जो कंपनी है उनके पास अराउंड 100 होटल हैं और उन लोगों ने शायद एक बहुत बड़ी कंपनी से फ्रेंचाइजी भी लेके रखा हुआ है टू रन द लग्जरी होटल्स ऑल्सो। फ्रॉम पास्ट मेनी डिकेड्स द होटल हैज बीन कीटरिंग primarily to the business and premium segment travelers. So therefore it is kind of, we are there in the premium market. So therefore it's something like say Taj or something like that, the big hotels. Okay. To create one of the kind style experiences for the domestic and international travelers, the hotel offered exquisite services along with the additional segment of services like in-room styling services by local luxury boutique. So in your hotel, you can be getting the boutique services also. Provide exclusive hotel photo opportunities, create super personalized hotel amenities, including the kid-friendly surprises, in-house foreign exchange services. Okay, so lot of things. Obviously, ek premium, agar koi cheez hoega, they have to be offering it there in a service sector. No? They'll have to offer all these things. The hotel is liberal with the room stay timing, such as early check-in and late check-outs. They also offer the option of auto upgrade from deluxe joint room to entire suite classrooms if available for free only. Okay. A free shuttle pickup and drop services were provided to the passengers from the domestic or international airport. Chaliye, theek hai. तो एक शटल सर्विस है जो कार्स वगैरह जो पिकअप करती हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल। ओके आगे, इंडियन होटल इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन द रीसेंट इयर्स ड्यू टू ग्रोइंग इकोनॉमी। कॉन्सिक्वेंटली देयर हैज बीन न्यू एंट्रेंस इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफरिंग लो कॉस्ट रेट्स टू द कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली लाइक यू नो जो बजट होटल्स वगैरह हैं ऑल दोज हैव आल्सो कम डाउन। दीज होटल्स हैव बीन ऑफरिंग रूम्स एट ह्यूज डिस्काउंट देयर बाय अट्रैक्टिंग a sizable chunk of the customers away from the Rejuvi hotel. ठीक है, तो obviously ये cheaper options हैं, so customers start to be staying over there क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। To counter this and to maintain its market share, Rejuvi hotels followed a counter strategy. तो market के अंदर competition आना start हुआ, budget hotels वगैरह आने start हो गए, तो ये लोगों ने सोचा let's try to beat them. ठीक है, तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया, क्या किया पड़ी। For the period of 5 years, rooms for various domestic travelers were offered at competitive prices. At the same time, low rates were offered only if it was profitable to do so. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना हम ये कंपनी ने भी जो प्रीमियम कंपनी थी इन लोगों ने भी कम प्राइसेस करने स्टार्ट वो कर दिए। अभी ऑब्वियसली इतना सारा सर्विसेज वगैरह देंगे और अगर प्राइसेस कम होंगे ना एट दैट टाइम अपने को लॉस होएगा, तो दे'ल हैव टू ट्राई टू कट डाउन देयर कॉस्ट। सो एट द सेम टाइम लो रेट्स फॉर ऑफर्ड ओनली इफ इट वॉज प्रॉफिटेबल टू डू सो। Therefore, certain cost management measures were undertaken. The hotel converted itself from create one of the kind stunning experiences to limited services hotel. तो पहले ours was a full premium service, बहुत services देते थे, but now obviously prices कम कर रहे हैं तो अपने को अपना cost भी कम करना ही पड़ेगा वरना loss होएगा। आगे, most of the previously offered exclusive free services by Rejuvi hotels were moved to the paid section. Okay, other measures taken were to immediately terminate the free shuttle pickup and drop services and to offer last minute deals for the rooms at a heavy discount if the hotel was not fully booked for that date. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि most of the services जो पहले free था in this case was made as paid. वो जो free shuttle, वो जो car pickup वगैरह था, all those particular things were also terminated. तो वो वाला चीज हम लोगों ने बंद कर दिया। फिर उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं, लास्ट मिनट पर ना अगर सपोज कोई रूम्स अपने पास वो वेकेंट था, कोई एक कस्टमर आया मेरे को रूम चाहिए, अभी वैसे भी जो वेकेंट रूम्स होते हैं इट इज काइंड ऑफ अ पेरिशेबल थिंग, आज ऑक्यूपाई नहीं होगा उस दिन का रेवेन्यू इज गॉन। तो ये लोग क्या बोलते थे कि हम लोग सॉलिड डील्स देते थे कि भाई वैसे भी रूम खाली है, वेस्ट होने वाला है उसका टाइम, सो देयरफॉर इट इज बेटर लाइक यू नो टू गिव माइट बी एट अ चीपर रेट, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। Vacant rooms are perishable, therefore instead of letting them go empty, the hotel can be filled at cheaper rates. This yield management measure based upon capacity utilization was expected to increase the market share and also the hotel's revenue.
Rooms could be booked online using the internet or through any associate hotel reception maintained by the hotel group at various locations in selected cities. तो वो लोग क्या बोलते हैं, rooms जो हैं online भी book कर सकते हैं, ठीक है, वो website वगैरह होगा, या फिर जो भी अपने associate वो hotels हैं, we have around 100 hotels, so therefore you can book over there also, ठीक है. अब ये चीज़ों से obviously क्या बढ़ना start हो जाएगा, capacity utilization, क्योंकि last minute पर जो भी empty rooms वगैरह will try to give. In order to quickly respond to customers, to competitors move, the pricing and the marketing of the individual hotel was given sufficient autonomy to make this price war work. तो हर होटल का शायद एक मैनेजर होगा, हम लोगों ने उसको वो डिस्क्रिप्शन दिया, भाई तू प्राइसेस चेंज कर सकता है अगर सिचुएशन ऐसा आएगा तो. Therefore, in many situations, decisions could be taken even without the prior approval of the top management. Meanwhile, adding to the stiff competition, prices due to inflation have been soaring in the last few years. Prices, I think here will be meaning cost, maintenance of the hotel, staff compensation and other overheads have been increasing. Given this scenario, after 6 years of the operations, the management of the hotels found that they were not being able to generate sufficient profits on many domestic hotel offers. ठीक, तो वो लोग क्या बोलते हैं, 6 साल तक हम लोगों ने ये वाला काम किया, 6 साल लग गए उनको बताने, उनको ये पता करने के लिए, ब्लडी इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. इतना टाइम कैसे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक यू नो, थोड़ा सा उनका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है अच्छा होना चाहिए, जहां पे लाइक यू नो दे कम टू नो एटलीस्ट आफ्टर 5 to 6 months, भाई ये वाला चीज काम कर रहा है कि नहीं. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो, अपनी रेवेन्यू देखो, उसके साथ कॉस्ट मैप करो, पता चलेगा ना अच्छा काम कर रहा है नहीं. आगे, अ प्राइस डिस्काउंट बाय द कंपटीटर had to be matched by a similar price discount by Rejuven Hotels and vice versa. Offering last minute deals to fill up the hotel to full capacity did not get additional revenue. तो वो लोगों ने दो चीज बोला, अगर सपोज कोई और होटल ने प्राइस कम किया तो अपने को भी प्राइस कम करना पड़ता था, तो our prices will fall, my profits will also start to be falling. और लास्ट मिनट पर हम लोग वो जो डील्स वगैरह देते थे ना, उससे एडिशनल रेवेन्यू वो नहीं मिला. द वॉल्यूम ऑफ लास्ट मिनट होटल बुकर्स वॉज वेरी लो. इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स लुकिंग एट द लास्ट मिनट वर प्राइस इनडिफरेंट. प्राइस इनडिफरेंट का मतलब, had the deals not been offered, the traveler would have been willing to pay more money anyway to book the hotel. तो वो लोग क्या बोलते हैं, लास्ट मिनट पे जो हम लोग डील्स वगैरह वो देते थे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो यूजलेस था, क्योंकि कस्टमर को जरूरत है वो ज्यादा भी पैसा वो दे ही देता. हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया लाइक यू नो दैट वी विल ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस, तो इसलिए उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं हुआ. देयरफॉर नीदर डिड द डील्स जनरेट एक्स्ट्रा कस्टमर्स नॉट एनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू. अगे, Rejuven Hotels had always been perceived to cater to the premium segment. Therefore, participating in the price war have been contrary to the image of the luxury brand. Obviously, कल को अगर ताज 1-2 हजार रुपए के अंदर रूम्स देता है, something like say the Oyo rooms or something, okay, we will lose the respect only, no, for that. जो मुंबई के अंदर near the international airport, all the 5-star hotels वगैरह are there. अभी बोलो कभी प्राइस वॉर के अंदर अपने प्राइसेस 1,000 या 2,000 रुपए वो थोड़ी करेंगे. तो ऑब्वियसली दे हैव अ इमेज टू बी मेंटेनिंग, और इमेज मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स तुम लोग को प्राइसेस अच्छे चार्ज करने पड़ते हैं. दिस लेफ्ट अ सेक्शन ऑफ द कस्टमर्स कंफ्यूज्ड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफरिंग. ठीक है, therefore the management of Rejuven Hotels decided to discontinue the discount pricing strategy and exit the low cost hotel business. तो उन लोगों ने ये वाला जो business था बंद कर दिया. 6 साल लग गए उनको ये पता करवाने के लिए like you know that this is not bloody working. The rooms are now being offered as usual at full service rates. ठीक है, this strategy is proposed to be followed for both current and prospective projects and operations. ठीक है, in order to improve the tourism within the country, the government has been formulating the policies and aimed at changing the landscape of the hospitality sector. Hotels are built in smaller cities and towns that did not have any one till date. ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि the tourism sector is doing good in India. Government भी यहाँ पे policies वगैरह तो वो बना रहा है, और छोटे-छोटे cities जहाँ पे एक भी hotel नहीं होता था, वहाँ पे the hotels are being booked. Concurrently with the expansion of the luxury hotel chain in the major metropolitan cities, the Rejuven Hotel has expanded its business hotels division in the secondary cities in India. ठीक है, the Rejuven Hotel continue to expand its geographical and market coverage in India. ठीक है,
It develops specialized operations such as wildlife lodges and consolidated its position in established markets through the upgrading of the existing properties and development of new properties. ये वाला पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ अभी. तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये वाली जो कंपनी थी ना, उसने भी इन सिटीज के अंदर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, जिनको भी यूजली कॉल एज द टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज. वो लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों ने अपना यहां पर जो मार्केट है वो बढ़ाना स्टार्ट किया. उन लोगों ने यहां पे स्पेशलाइज ऑपरेशन स्टार्ट किए, लाइक यू नो उन लोगों ने एक एग्जांपल भी दिया है, वाइल्ड लाइफ लॉजेस. एग्जांपल, इफ यू गो टू गिर फॉरेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ होटल्स दैट ऑफर यू लाइक यू नो स्पेशलाइज काइंड ऑफ अ वेकेशन, तो वेयर बाय यू विल बी एबल टू सी द एनिमल्स. सो ये वो एंड एस्टैब्लिश हिज पोजीशन इन एस्टैब्लिश मार्केट्स थ्रू अपग्रेडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रॉपर्टीज. ओके. In the new competitive market move, Rejuvenate Hotels proposed to develop a model wherein travelers booking rooms at smaller towns are redeemable at other hotels within the group in the same price and category subject to availability. तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग ने ना एक क्रॉस स्कीम वगैरह वो स्टार्ट किया, जहां पे अगर आप लोग सपोज एक रूम वगैरह तो वो बुक करो, एंड सपोज लाइक यू नो आप लोगों ने एक रूम बुक किया से फॉर अ स्मॉल टाउन से इन राजस्थान से अजमेर वगैरह, ओके, बट देन यू डिसाइडेड लाइक यू नो कि अजमेर आप वो नहीं जाओगे, आप एक कस्टमर थे, लेकिन यू डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स, वहां पे भी इस होटल का एक लाइक यू नो एक प्रॉपर्टी वगैरह है, यू कैन स्वैप देम. ओके, तो वो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है. तो लोगों ने ये वाला सर्विस जो है वो स्टार्ट किया. Under this pricing policy, the hotel at its major metro cities will serve as a main hub for travelers touring different cities and towns in a sequence. तो वो लोग क्या बोलता है कि ना उन लोगों के ये स्कीम वगैरह की वजह से जो उनके मेजर जो होटल्स थे जो मेट्रो सिटीज वगैरह के अंदर थे वहां पर लाइक यू नो द ट्रैवलर्स विल बी कमिंग एंड दे कैन बुक लाइक यू नो सपोज मैं एक बंदा हूँ who wants to be going say to Ajmer, but there is no direct flight to Ajmer, so therefore I go to Delhi and then I go to Ajmer. So they will have a hotel in Delhi that is in the metro, and then they have a hotel in Ajmer, so therefore I can go there, I can stay there in Delhi first, and then I can go over to the other hotel in Ajmer. Okay, again, this is usually called a hub and spoke model, वैसे just for your reference, okay, hub and spoke. This term comes from तुम्हारा जो टायर होता है जो बाइक वगैरह का या जो कार वगैरह का, there are spikes like this. So therefore, this is the main hub. Okay, and these are the spikes as such. Okay, so like you know, उनका जो major hotels वगैरह होंगे वो metro cities के अंदर होंगे, and then there'll be small branches of it. आगे The ultra luxurious amenities in the hotel will remain paid for such budgeted travelers. एक सेकेंड, यहाँ पे एक लाइन है, forgot. Rejuvenate Hotels also proposes to develop few budgeted small rooms with limited amenities in the metropolitan hotels to cater to budget travelers from smaller cities. तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अलग से कुछ होटल्स वगैरह भी बनाने वाले हैं जहाँ पे छोटे छोटे रूम्स वगैरह होंगे, या फिर एग्जिस्टिंग होटल्स के अंदर ही छोटे छोटे रूम्स भी होंगे फॉर लाइक यू नो दोज कस्टमर्स जो लोग प्राइस कॉन्शियस हैं. अभी वो लोग क्या बोलते हैं, द अल्ट्रा लग्जूरियस अमिनिटीज इन द होटल विल रिमेन पेड फॉर सच ट्रैवलर्स. तो अभी भी जो लग्जूरियस वाली चीजें हैं वो होंगी, लेकिन इन कस्टमर्स के लिए दैट विल बी पेड. आगे द ट्रैवलर्स विल हैव द एडवांटेज टू रिलिश द अल्ट्रा लग्जूरियस होटल एनवायरमेंट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एट अ वेरी बजटेड प्राइस. ठीक है. More hotel options within Rejuve Group will now be available for the travelers. For example, a tourist from a smaller city wanting to travel to another smaller city may take a break at the nearest hub. The nearest hub kind of say Delhi over here. Okay. With Rejuve Hotels under the same booking plan for the tourist, this is a better alternate as compared to staying in the hub. At a smaller hotel with limited facilities. वो लोग क्या बोलता है, like you know, अगर suppose this is Ajmer and I want to be going say to Amritsar. Okay. So therefore, I can come over here, I can stay at Delhi and then I can get transported over there. This is far better like you know than the other options जो like you know बाकी hotels वगैरह देंगे. हमारे पास हम लोग ये वाला जो चीज़ कर रहे हैं कोई और होटल शायद करंटली वो नहीं कर रहे. For each big group of hotels, the proposition broadens its customer base. Obviously, number of customers coming to us will be higher. To implement this effect, Rejuvenate Hotels scouting the market for smaller hotels in the smaller cities that can be operated more economically on, देखो वो लिखा भी हुआ, Hub Spoke Route under its brand. तो वो लोग क्या बोलता है कि ना, this is far better, we'll be able to capture more amount of market also.
Alongwise, it discussed the role for partnership with the airlines, car rentals, and city tour operation in order to offer attractive holiday packages to the customers. Since most of the other hotels do not have scale of operation to achieve the hub scope model or ability to offer the holiday packages. Hum log holiday packages bhi dete, matlab come and stay in a hotel, uske baad like, you know, we will book the airlines for you, we will do the car rentals for you, we will do the city tour option. Baki hotel ho ke paas itna paisa hi nahi hai to offer such kind of a unique thing. Theek hai, Rejuvenate Hotels identified as a unique proposition that it can offer to its customers. The hotel proposed the tagline for its advertisement as Rejuvenate. Rejuvenate at Rejuvi anywhere, any day, anytime. Okay, ye aap log apne answer ke andar bhi likh sakte ho, I think in future. Aage. Room booking continue to be offered over the internet and using the various online digital payment services. In past, customers like this option due to the convenience it offered. So, abhi bhi jo internet booking wagera hai, wo hoega. Dedicated customer lines available 24/7 to resolve the issues is proposed. Pay at the rate hotel services were also proposed to ease and facilitate the bookings by the customers. ये क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी तक आंसर के बारे में नहीं बात किया. द फ्री शटल पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज वर रीइंस्टेटेड फॉर द पैसेंजर्स फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एक्सटेंडेड टू सिटी रेलवे स्टेशंस एंड सिटी बस स्टैंड्स. अभी सपोज लाइक यू नो आई वांट टू ट्रैवल से टू अजमेर, तो मैं दिल्ली पे लैंड हुआ, दिल्ली से लाइक यू नो दिस होटल कैन ट्रांसपोर्ट मी टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहां से आई कैन टेक अ ट्रेन or to a bus station from where I can take a bus to Ajmer or something like that. ठीक है, आगे. The management of Rejuvi Hotels want to have seamless implementation of this project. This could be a game changer for the company that will help it to consolidate its position in the hotel sector. Therefore, meeting has been called to discuss critical reporting that needs to be in place for ensuring such successful launch. Okay, required. Evaluate the strategy adopted by Rejuvi Hotels in becoming a low-cost hotel with limited services. ठीक है, identify the strategy adopted by Rejuvi Hotels for the proposed project. ठीक है, तो वो लोग क्या बोलता है पार्ट फर्स्ट के अंदर, evaluate the strategy in becoming low-cost hotel. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग ये बताओ कि क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था. ओके, फॉर बिकमिंग अ लो कॉस्ट होटल, उन लोगों ने वो चीज़ों को पेड कर दिया था, प्राइसेस वगैरह कम कर दिए थे, जो शटल सर्विसेज थी वो बंद कर दी थी, वो सब कुछ. आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट दैट विल बी अ फुल प्रीमियम सर्विस. पहले पार्ट्स पढ़ लेता हूँ. रिकमेंड द कंपनी टू अडॉप्ट अ मैकेनिज्म टू अवॉइड एरर्स इन अ स्ट्रैटेजी. चलो ठीक है, उसके बाद सजेस्ट अ कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर टाइमली करेक्शंस इन द स्ट्रेटजी. चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. दिस वाज लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू ट्राई टू पिक अप फ्रॉम द क्वेश्चन, स्पेशली पार्ट वन एंड टू. पार्ट थ्री एंड फोर लाइक यू नो आपके चैप्टर नंबर वो 11 बजटरी कंट्रोल से आएगा. लेट्स ट्राई टू बी सीइंग द आंसर्स. चलिए, तो पार्ट वन, evaluate strategy adopted by Rejuvenate Hotels in becoming a low-cost hotel with limited services. इन लोगों ने क्या क्या strategies वगैरह adopt किया था in becoming a low-cost. Now, as I told in beginning, मैं पूरा का पूरा जो answers है, I'm not going to be discussing because else, like, you know, you will also get bored in this. I'm just trying to say the main points at all the places. Okay, so, इन लोगों का जो low-cost advantage model था, that was achieved through the following things. फर्स्ट, ये लोगों ने सारा अपना फ्री सर्विसेज बंद कर दिया, जो भी वो लग्जरी वाला चीज था, शटल वाला जो चीज था वो बंद कर दिया. अच्छा, शायद हम लोग कोई ट्रैवल एजेंट्स वगैरह को पैसे देते थे इन ऑर्डर टू बी अवॉइडिंग दैट कमीशन और समथिंग. इन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द होटल्स भी स्टार्ट किया, अपना थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह जो है वो बच जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉस्ट लीडरशिप एनेबल्ड इट टू ऑफर लो कॉस्ट रेट्स टू द कस्टमर्स दैट वर जनरेटेड थ्रू गिविंग ह्यूज डिस्काउंट्स एंड यील्ड मैनेजमेंट ऑफ द प्राइस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो देयरफॉर लाइक यू नो अगर सपोज कैपेसिटी यूज नहीं हो रहा, देन इन दैट केस ट्राई टू लोअर द प्राइसेस, जो उन लोगों ने लास्ट मिनट डील्स वगैरह वो सब कुछ किया था. लेकिन ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डिड नॉट वर्क. आई थिंक द मेजर रीजन वॉज कस्टमर्स विल स्टार्ट टू गेट कन्फ्यूज कि ये होटल अपने को दे क्या रहा है, ये अपने को बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है कि अपने को लो कॉस्ट दे रहा है. क्योंकि यूजुअली जो लो प्राइसेस चार्ज करेगा
और जिसका जो ब्रांड नेम है वो इतना अच्छा है इन द लग्जूरियस सर्विसेज, वो अपने को इतने कम प्राइसेस वगैरह वो कैसे देगा? सो देयर लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल इज बेसिकली डिड नॉट वर्क ओनली वाई, क्योंकि इन दिस केस अब इन लोगों को प्राइसेस बहुत कम करने पड़े जो शायद वो प्रॉफिटेबल भी नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस लास्ट मिनट के ऊपर जो डील्स वगैरह वो ऑफर किया, कस्टमर्स तो वैसे कुछ भी प्राइस दे ही देते, हम लोगों ने तो बेकार के अंदर ही अपने प्राइसेस वो कम किए. अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट फ्यू ईयर्स से ना इन्फ्लेशन वगैरह वो बढ़ रहा है, सो देयरफॉर उन लोगों को 6 ईयर्स लग गए टू फाइंड आउट लाइक यू नो दैट दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग. अल्टीमेटली दे ऑल शट डाउन. ठीक है, ये तुम लोग को इनमें से वट एवर पॉइंट्स आई से ना, इट्स नॉट दैट कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने ही होते हैं, लेकिन जितने ज्यादा लिखोगे मार्क्स उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो इफ यू हैव रिटन समथिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू बी नोइंग इट इज करेक्ट ऑर नॉट, यू ऑल कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द वीडियो एंड ट्राई टू आस्क अस. ओके, दिस फर्दर आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, होटल प्लान, सॉरी पार्ट टू पर आता हूं. पार्ट टू जो अपना है यहां पर वो ये है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट. तो प्रपोज के अंदर वो लोग अभी क्या सोचते हैं कि ना हम लोग एक फुल सर्विस मॉडल स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली आर प्राइसेज आर गोइंग टू बी हाई, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएशन मॉडल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ बुकिंग ऑप्शंस दैट विल बी देयर. आप लोग किधर भी बुक वो कर सकते हो, चाहे उस होटल में या फिर जो भी उनके बाकी होटल्स हैं अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज. और यहाँ पर एक दो और चीजें यू कैन ट्राई टू इलैबोरेट, मेरे को हर चीज यहाँ पे नहीं तो वो लिखना था, बट यू ऑल कैन ट्राई टू बी इलैबोरेटिंग अबाउट हब एंड स्पोक मॉडल. तो जहां पर आपके जो मेन होटल्स होंगे वो दिल्ली में होंगे या फिर से मुंबई में होंगे या फिर से बैंगलोर वगैरह में होंगे, और छोटे छोटे सिटीज के साथ इट विल गेट कनेक्टेड. एनी पर्सन टू एनी पैसेंजर हु वांट्स टू विजिट द स्मॉलर सिटीज कैन कम एंड स्टे एट द मेट्रो सिटीज एंड देन वी विल ऑफर देम लाइक यू नो द ऑप्शन टू बुक अ कैब ये वो वगैरह एंड वी कैन ड्रॉप देम एट द रेलवे स्टेशन ऑल्सो, दोस पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, आगे offer exchange room with the similar hotels. So like you know, suppose if you don't want to be going from this city, if you don't want to travel to this city, although you all had booked it, you all can exchange your room for any other city also. और ये लोगों ने थोड़े से budget rooms वगैरह भी वो बनाए थे for those people जो लोग ज़्यादा pay वगैरह वो नहीं करना चाहते, but then there was an option that you all can pay something more and you all can use up the paid services. Apart from that, जो free shuttle वगैरह था that was reinstated. In fact, that was reinstated in a better way. जहाँ पे वो bus we can drop them to the bus stations or to the railway stations. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट थ्री के अंदर यहां पर क्या लिखा था, रिकमेंड द कंपनी टू अडॉप्ट अ मैकेनिज्म टू अवॉइड एरर्स इन द स्ट्रेटजी. देखो स्ट्रेटजीज जो होती है ना दे आर फॉर द फ्यूचर. तो इफ यू वॉन्ट टू बी हैविंग एनी काइंड ऑफ अ कंट्रोल और अ मैकेनिज्म ताकि तुम्हारा जो स्ट्रेटजीज बराबर से चले, वी ऑलवेज से दैट देयर शुड बी अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम. देयर इज अ फीडबैक सिस्टम. फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने काम कर लिया, वी वुड लाइक टू बी नोइंग कि भाई जो काम किया बराबर किया या नहीं किया, दैट इज वन थिंग. एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम होता है, दैट इज बेसिकली अ प्लानिंग काइंड ऑफ अ सिस्टम वेयर बाय यू ट्राई टू बी थिंकिंग हमको ये फ्यूचर के अंदर वो करना है, एंड देन यू ट्राई टू हैव अ कंट्रोल इन दिस केस लाइक यू नो कि ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो दैट इज वॉट एवर इज अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम. लाइक इन दिस केस ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है ना, ये लोग इतनी चीजें प्लान वगैरह वो कर रहे हैं, लाइक यू नो द पर्सन कैन बुक द थिंग्स एट एनी एट एनी ऑफ द होटल्स. फिर उसके बाद विल बी हप एंड स्पोक मॉडल. अपार्ट फ्रॉम दैट विल डू द टाइप्स विद द एयरलाइंस विद ऑल दी. नाउ ऑल दीज थिंग्स विल रिक्वायर थोरो प्लानिंग, और प्लानिंग कभी भी चेंज हो सकता है, दैट इज वन थिंग बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. यहाँ पे फिर वी शुड ऑलवेज बी नोइंग लाइक यू नो कि जो टैक्सी वगैरह के रेट्स हैं वो क्या है. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, हम लोग हॉलीडे पैकेजेस वगैरह वो ऑफर करेंगे, राइट? तो हॉलीडे पैकेजेस हम लोग तो सिर्फ एक होटल ही देंगे, लेकिन जो एयरलाइंस है, कार रेंटल्स वगैरह हैं, फिर उसके बाद जो एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह होगा, ऑल दोज थिंग्स विल नॉट बी डन बाय अस, वी विल हैव अ टाइप्स ओवर देयर. अभी उन लोगों के प्राइसेस वगैरह विल कीप ऑन चेंजिंग. सो इन योर फीड फॉरवर्ड सिस्टम ensure like you know that you develop a system जहां पर all these things are taken care of. ठीक है, क्योंकि अभी आप ये वाला चीज plan कर रहे हो. So in planning stage you should try to have a feed forward system which will try to prevent any kind of errors. तो अगर suppose like you know you all try to be making a report or something, ठीक है, कि next year के अंदर अपने को ये चीजों से इतना revenue आएगा, तो whenever those things are being made, no, try to ensure that those things are as accurate as possible. Okay, चलो.
तो फॉर अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम थॉरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अप्लाइड इन सिलेक्टिंग द इनपुट वेरिएबल्स. इनपुट वेरिएबल्स इट कुड बी लाइक यू नो दोज थिंग्स दैट कीप ऑन चेंजिंग, और आपका प्रॉफिट जो है इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक यू नो कि कस्टमर अपने को प्राइसेस कितना देगा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉस्ट वगैरह क्या होंगे, ऑल दोज थिंग्स विच विल इम्पैक्ट योर प्रॉफिट एंड विच विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनपुट वेरिएबल. सो बी केयरफुल, जो चीज़ें आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि इन एनी केस देर इज नॉट मच यूज ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट यू ऑल कैन नॉट बी कंट्रोलिंग, बट ऑल अदर थिंग्स बी केयरफुल. एंड द मोमेंट those things change at that time you should be able to change your strategy. To maine yahan par likha hua hai a feed forward mechanism should be kept dynamic. Apart from that a model control system should be developed, like you know control system matlab in this case jo bhi aap log planning kar rahe ho cheeze exactly waise hi ho, there should be a process manager who will try to be ensuring that thing. Apart from that in this case jo bhi data hai on input variable jo yahan par select kiye the wo aap log regularly collect karte rehna. Like, you know, ki suppose market ke na these changes are about to be happening. For a small example, you all have opened a hotel in a smaller city, theek hai? Abhi wahan par ek aur hotel bhi khul gaya of some other company. Unke rates vagera kya honge? Because based upon that, you will have to change your budgets as such. Okay, toh wo wali cheez hai kab, theek hai? So that is whatever I've written over here, feed forward system. Feed forward system wo hota hai, which is a control system जो तुम्हारे action से पहले आता है, जो उसके बाद आता है that is feedback control. तो ये जो part fourth है उसी के बारे में, suggest a control reporting mechanism for timely corrections in the strategy. अभी जरा सोचो तुम्हारी strategy काम नहीं कर रही, वो तुमको कैसे पता चलेगा? Sir my actual results will not tally with the budgeted results. तो उसके बाद something like your standard costing. You will try to take some kind of an action as such, okay? उसको हम लोग feedback system बोलते हैं. Basically your variance analysis, okay? Now feedback system अगर आप लोग को implement करना है then this is true for every other company. First वहां पे आप लोग को ये दिखाना चाहिए आप लोगों ने क्या अचीव किया है. Try to have smaller intervals for a feedback report. ये नहीं है एक साल के बाद हम लोग बताएंगे कि तुम लोगों ने कित, आजकल 1 year is a very big period यार. So therefore after every small interval, say a month और से मैक्सिमम क्वार्टर और समथिंग वी शुड बी हैविंग द फीडबैक रिपोर्ट, ताकि अपने को पता चले इस क्वार्टर के अंदर अच्छा किया या नहीं किया, ताकि अगर सपोज बुरा किया फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वी कैन ट्राई टू इंप्रूव आर मिस्टेक्स. नो वो वाली चीजें. फिर उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज द ट्रेंड्स एंड द रिलेशनशिप कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे. सपोज आप लोग मंथ वाइज डेटा वगैरह वो कर रहे हो तो आप लोग मंथ वाइज ये वाला ट्रेंड्स वगैरह निकालो. आर वी डूइंग गुड, आर वी डूइंग बैड? इफ यू आर डूइंग गुड देन इन दैट केस इट इज अ सैटिस्फैक्ट्री थिंग. इफ यू आर डूइंग बैड और क्या होता है कि ना एट दिस टाइम योर रेशियो स्टार्टर विल बी ऑफ ग्रेट यूज. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट थ्रू रेशियोज कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. शायद एब्सोल्यूट नंबर्स तुमको इतना अच्छा चीज शायद ना बता पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड डिस्क्लोज द वेरिएशन from the standard matlab the variances and they should be there in a standardized format. Ek detailed format select karo aur hamesha reporting usi ke andar karo. We are not saying ki wo wala format kabhi bhi change mat karo, lekin uske na itna zyada variations na lekar aana ki like you know two reports cannot be compared with each other. Theek hai, this is your feedback system. This was supposed to be your case study question for 20 marks. Iske na se more things you have written you will be able to get more amount of marks. I think this more or less covers jo bhi ICA had required. Okay, this was end of question number 1. Question number 2A. Global Bakery is one of the largest bakery service providers for fresh breads. Among the variants, the focaccia, I don't know, maine barabar se bola hai ki nahi, focaccia bread is very popular and is favorite for all its customers and envy of its rivals. ठीक है, तो ये बेकरी है, बहुत टाइप्स ऑफ ब्रेड्स वगैरह बनाता होगा, लेकिन ये फोकाशिया इज द बेस्ट वन. द फर्म हैज सेट अ सेलिंग प्राइस, सेट अ प्राइस ऑफ 629 फॉर बेकिंग एंड फोकाशिया ब्रेड्स. ओके, फॉर बेकिंग द फोकाशिया ब्रेड्स ग्लोबल बेकरी डिराइव दिस प्राइस एज फॉलोज. रॉ मटेरियल्स 40, लेबर 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 60 टू 240, वेरिएबल ओवरहेड्स जो है 50, फिक्स्ड ओवरहेड्स 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 20. ठीक है, तो 40 रुपीज प्लस मार्कअप ऑफ 70% ऑन कॉस्ट. अपना कैलसी लेना, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर एड अप करना, एक कॉस्ट मिल जाएगा उसके ऊपर 70% ऐड करके देखो 629 मिल जाएगा. मैंने सॉल्यूशन के अंदर भी टाइम पास के लिए कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड.
Global Bakery is known for quality work and timely service. Hence, customers are willing to pay this premium price. Firm's employees receive, ye bahut important tha, fixed salary. The hourly rate 60 is arrived by dividing total salary by total number of hours available. So, ye jo 60 rupees ka, ye jo yahan pe ye rate diya hua na, ye time pass rate hai. Un logon ne salary liya, divide by number of hours kar diya, to ek phaltu sa rate wagera wo mil gaya. Lekin un logon ko fixed salary milta hai. Theek hai? Aage. Variable overheads depend upon the number of breads baked, whereas fixed overheads rate is derived by dividing total cost of all the expenses by number of labor hours available. Chalo, theek hai, okay. To fixed overheads ka wo absorption rate hai, theek hai, further. Fixed overheads generally include office rent and administration expenses. ठीक है. A local hotel approach Global Bakery as a focaccia bread breakers. Of their hotel are on strike. Again, as a focaccia bread bakers of their hotel are on strike. तो कोई एक यहाँ पे होटल ने अपने को अप्रोच किया क्योंकि उनके जो बेकरी वाले थे वो स्ट्राइक के ऊपर थे. About the possibility of delivering 120 focaccia breads in the coming week, and they need the work to be done on a rush basis. Rush मतलब immediate basis. ठीक है, आगे. Global Bakery has sufficient quantity of required raw material in stock for the supply for the special order. तो उनके पास इतना stock है कि वो लोग तभी use करके मेरे ख्याल से supply वगैरह कर पाएंगे. याद रखना ये extra stock वगैरह नहीं है, old और obsolete stock वगैरह नहीं है, लेकिन focaccia bread जो है वो उनका normal product है यार. तो अगर उन लोगों ने इस rush order के लिए use किया, they will have to purchase no from outside. आगे, it perceives that it could complete 70% of the special order during the normal working hours. However, to complete the remaining 30%, some employees will have to be working overtime. Overtime is paid at a premium, which could be time and a half the normal hourly rate. चलिए, ठीक है. Required advise the company to determine the price to be quoted for the special order. Comment on the suitability of the special order to deal with excess supply or excess demand. Bilkul aisa question we all have done in like you know our book also. Ye tumhara question number 2A hai. Hum logon ne bilkul hi aisa question book kiya hua hai. Tumhari case study digest book ke na skill assessment number 19 tha ye. Suno. अभी तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू बी कोटिंग द मिनिमम. मैंने शुरू में तुम लोगों को बोला एक चीज जो मैंने टाइम पास के लिए दिया हुआ है 40, 240, 50, 40 टोटल कॉस्ट 370, 70% का मार्कअप. ठीक है, तो 629 आ जाता है. आई रिटन ओवर हियर फॉर टाइम पास, नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर एज सच. ठीक है, अभी वो लोग क्या बोलते हैं इस ऑर्डर के लिए ना आप लोग कोटेशन वगैरह दो. सो 120 यूनिट्स इंटू 40 रुपीज का तेरा मटेरियल कॉस्ट, फिर 120 यूनिट्स. सुनो मेरी बात ध्यान, अपने पास उतना वर्कर लोग है कि 70% रश ऑर्डर उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. वर्कर्स रिसीव अ फिक्स सैलरी ओनली फॉर दैट 30% नो वी नीड टू बी पेइंग 1.5 times. ठीक है, सो 120 यूनिट्स इंटू 30% सिर्फ 36 ब्रेड्स के लिए ही अपना खर्चा होने वाला है. ठीक है, हर एक ब्रेड के लिए 4 hours वो लगेगा और 60 के अलावा नाउ रेट विल बी 90. देखो यहाँ पर जो रेट था ना बेटा वो 60 का रेट था और उन लोगों ने यहाँ पर वो लिखा हुआ था द रेट विल बी 1.5 times. ठीक है, फिर उसके बाद जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो तो हर यूनिट के लिए ही लगता है 120 into 5. बेसिकली आप लोग मार्जिनल कॉस्ट ही निकाल रहे हो. ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो इतना आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो है 120. दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉस्ट पर ब्रेड दैट इज 198. सो दिस कुड बी द लीस्ट प्राइस. ठीक है यार ना, इतना तुम्हारा कॉस्ट है, आप लोग इससे कम कभी कोटेशन नहीं देना. दिस इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो इतना तो चार्ज करने का ही करने का है. बट एक्चुअल प्राइस विल डिपेंड अपॉन मेनी सिचुएशंस. फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, इफ यू वांट लाइक यू नो, अगर तुम्हारा जो लुकआउट है वो ऐसा है इस होटल के साथ अपने को लॉन्ग टर्म धंधा करने का है, तो फिर आप 198 से थोड़ा सा ज्यादा कर दो. अगर तुमको ऐसा पक्का है कि ये होटल ना अपने पास फिर से नहीं आएगा, सिर्फ वन टाइम है क्योंकि उनकी बेकरी लोग जो हैं वो लोग स्ट्राइक के ऊपर हैं, तो तुमको लगता है दिस इज वन टाइम ऑर्डर ओनली. ठीक है, तो अगर ये वन टाइम ऑर्डर है देन ट्राई टू चार्ज हायर. ओके, क्योंकि इसके बाद वैसे भी कोई ऑर्डर वगैरह वो नहीं मिलने वाला. ठीक है, सो देयरफॉर ये बेस प्राइस है, इससे मत कम चार्ज करना. इसके ऊपर डिपेंड्स अपॉन दिस सिचुएशन दैट आई हैव टोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो ही लिखा है, अबव इज अ मिनिमम प्राइस टू बी कोटेड. एक्चुअल प्राइस विल डिपेंड अपॉन मेनी सिचुएशंस. हाउएवर इन डिसीजन मेकिंग अदर कंडीशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. फॉर इंस्टेंस, इफ दिस इज वन टाइम डील विद नो प्रोस्पेक्ट ऑफ द रिपीट बिजनेस, कंपनी वुड लाइक टू चार्ज अ प्रीमियम ओवर द नॉर्मल प्राइस, देन यू ट्राई टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर. ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑल्सो मैटर. इफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द फुट इन द डोर
टू कोट फॉर द फ्यूचर बिजनेस एंड पुश विल पुश द प्राइस डाउनवर्ड्स. अगर फ्यूचर के अंदर भी अपने को सपोज इस होटल के साथ डील करने का और अपने को लगता है कुछ भी करके ना एक बार बस ये होटल वाले के साथ डील स्ट्राइक कर लेते हैं, अपना प्रोडक्ट अच्छा है, दे विल बी कमिंग बैक टू अस ओनली, देन इन दैट पर्टिकुलर केस लाइक यू नो यू कैन ट्राई टू कोट लेस एज सच. ठीक है, चलिए ये हो गया तुम्हारा पार्ट वन. पार्ट टू के अंदर क्या था? पार्ट टू के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द स्पेशल ऑर्डर डिसीजन टू डील विद एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड. अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि ना ये ऑर्डर के अंदर जरा बताओ ये वाला जो ऑर्डर है एक्सेस सप्लाई का है एक्सेस डिमांड का है. अभी ये जो ऑर्डर है पहले ऑनेस्टली एक्सेस डिमांड का है, अपनी नॉर्मल डिमांड से भी ज्यादा आया है, लेकिन अपने पास जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, शायद अपने पास जो लेबर पड़ा हुआ है वो एक्सेस सप्लाई के अंदर पड़ा हुआ है, अपने पास कैपेसिटी भी शायद कुछ ना कुछ वो पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, अपने पास लाइक यू नो फिक्स स्टोरेज वगैरह तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो उसके लिए वी कैन ऑलवेज ट्राई लाइक यू नो टू बी प्रोड्यूसिंग एज मच एज पॉसिबल. अपने पास 70% काम के लिए तो वर्कर वो पड़े हुए हैं, सो दैट इज एक्सेस सप्लाई एज सच. सो एक्सेस डिमांड भी है, एक्सेस सप्लाई भी है, रिसोर्सेज का शायद एक्सेस सप्लाई है, मटीरियल्स जो अपने पास है ना इन दिस केस ऑनेस्टली फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल अगर अपने पास मटेरियल यहाँ पर पड़ा भी हुआ है अगर आप यूज कर लोगे तो आपको बाद में अपने नॉर्मल बिजनेस के लिए खरीदना तो पड़ेगा, तो वहां पे शायद एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड वाला ज्यादा कोई सिचुएशन वगैरह वो नहीं है. ठीक है, नाउ अपने पास लेबर उतना है कि 70% अपना काम तो हो ही जाएगा, तो वहां पे अपना इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी जीरो, बाकी 30% के लिए येस यू आर गोना बी पेइंग मोर. ओके, नाउ बस दिस इज वॉट एवर यू हैड टू बी मेंशनिंग एज सर. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट डिफरेंट रिसोर्सेज इन प्रिस्टीन मेकर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स, अ डिसीजन दैट मे इम्पोज अ कंस्ट्रेंट ऑन पर्टिकुलर रिसोर्सेज. अच्छा, एक और चीज जो मेरे को वैसे भी वो बोलना था दैट आई हैव प्रिंटेड ऑन द लास्ट लाइन ओवर हियर, अगर कोई रिसोर्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एग्जाम्पल अगर मटीरियल लेबर इधर नहीं यूज होता किधर और यूज होता तो वहां से जो कमा सकते थे दैट विल बी लॉस, तो फिर अपने को वो वाला भी कॉस्ट इंक्लूड कर देना चाहिए. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A. अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2B है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अ लीडिंग ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स क्रीम्स. इट सेल्स क्रीम्स इन कंटेनर ऑफ 200 ml. ठीक है, दिस कंटेनर इज अ वन टाइम यूज, रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड लोकली. ठीक है, द रॉ मटेरियल इज ब्लेंडेड विद एडिटिव्स एंड फ्रेग्रेंस एट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर्स टू प्रोड्यूस द क्रीम. चलो ठीक है, तो उन लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्रीम बनाने का वो दिया हुआ है. प्लांट हैज अ ऑटोमेटेड पैकिंग फैसिलिटी, द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रीसेट द क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ कंटेनर्स टू बी फिल्ड इन द कंप्यूटराइज सिस्टम. ठीक है, तो आपको एक कंप्यूटर के अंदर फीड करना होता है अपने को कितना कंटेनर्स वगैरह वो चाहिए. ठीक है, no manual intervention is required thereafter, the cream is filled with a container at the first stage of packing with 200 ml. ठीक है, caps are fixed on the container and sealed at the second stage of packing. ठीक है, तो first stage के अंदर cream जो है वो container के अंदर डाल दिया जाता है, second के अंदर उसके ऊपर cap लगा के seal कर दिया जाता है. The container is weighed at the third stage of packing. After weighing the containers are packed in cartons of 500 containers each. तो सेकेंड के बाद यहाँ पे हम लोग उसको वेट करते हैं, जो कंटेनर है उसको वे करते हैं कि लाइक यू नो उसके अंदर क्रीम वगैरह एडिक्वेट गया है कि नहीं. एनी कंटेनर हैविंग लेसर क्वांटिटी ऑफ क्रीम इज रिमूव बिफोर द कंटेनर्स आर पैक्ड इन द कार्टन. तो वो लोग ने अपने को क्या बोला था कि 200 ml का कंटेनर होना चाहिए, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है. थर्ड स्टेज के अंदर हम लोग वे करते हैं कि भाई वो 200 ml उसके अंदर गया या नहीं बाई टेकिंग सम वेट और समथिंग. अगर सपोज वेट 200 से कम होता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं और फेंक देते हैं. द कंटेनर्स विच आर शॉर्ट फिल्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड. वंस द सील इज ब्रोकन द कंटेनर इज ऑफ नो यूज. देर इज नो प्रोसेस बाई विच क्रीम इन द शॉर्ट फिल्ड कंटेनर वुड कुड बी रीयूज्ड, हेंस द क्रीम इज वेस्टेड. तो अपने यहाँ पे मेरे ख्याल से दो तरीके के नुकसान होते हैं, एक तो कंटेनर वेस्ट हो जाएगा, दूसरा जो क्रीम वगैरह है उसको हम लोग कंटेनर से निकाल के फिर से यूज वगैरह नहीं कर सकते, तो अपने को फेंकना ही पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम भी वेस्ट होता है यार. The company is considering a proposal to add a machinery to its packaging unit to avoid losses out of the quantity issues in packaging. The machinery will be installed after the first stage of packing. तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक मशीनरी डालने के बारे में सोच रहे हैं फर्स्ट स्टेज के बाद, मतलब
उसको कंटेनर्स के अंदर इमीडिएटली डालने के, मतलब सीलिंग सील करने से पहले, ठीक है. द मशीनरी विल मेजर द वॉल्यूम ऑफ द क्रीम एंड विल फॉरवर्ड द कंटेनर फॉर कैपिंग एंड सीलिंग ओनली इफ द क्वांटिटी ऑफ कंटेनर इज करेक्ट. तो ये वाली जो मशीन हम लोग वो डालेंगे, ये फर्स्ट स्टेज के बाद ही उसका वेट करेगा. अगर वेट 200 ml जितना उसके अंदर क्रीम है तो ही आगे जाएगा, वरना वो वाला चीज तभी निकाल देंगे. इन केस द कंटेनर डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द क्रीम, द कंटेनर विल बी टॉप्ड अप विद अ बैलेंस क्रीम बिफोर द कैपिंग एंड सीलिंग प्रोसेस. अगर सपोज 200 ml के बदले में 190 ml ही है, तो ये वाला जो मशीन है या फिर शायद वो कोई एक मैनुअल प्रोसेस भी हो, तो 10 ml और डाल के फिर आगे करेंगे. बाई दिस कंपनी विल बी एबल टू अचीव 0% वेस्टेज ड्यू टू शॉर्ट फिलिंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम. ठीक है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम. ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही पार्ट आ गया यार. इन द कंपनी एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम प्रपोज. देखो करंट, एक चीज मैं बोल देता हूँ, शायद मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बोल देना चाहिए था, लेकिन तब ना वो वाला चीज एक प्रोजेक्ट के बारे में था. यहाँ पे आई थिंक आई विल बी एबल टू से दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, आई स्टे इन मुंबई. ठीक है. आई स्टे इन एरिया कॉल्ड एज मलाडा. माई क्लासेज आर देयर इन अंधेरी. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं घर से निकल जाता हूँ तो लेक्चर के लिए. सपोज 8 o'clock सुबह का लेक्चर होता है. आई रीच ओवर देयर एट 8:15. ठीक है. एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ, तो मेरे को अक्कल आ जाएगी धीरे 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 कि लाइक यू नो आई शुड ट्राई टू बी लीविंग बिट अर्ली, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ. दिस कॉल्ड एज अ फीडबैक सिस्टम. अक्कल आई इवेंट होने के बाद. आप बेटर काम क्या कर सकते हो कि ना इन द मॉर्निंग और सपोज एट 7:30 आई ट्राई टू ओपन माय मैप्स एंड आई ट्राई टू बी सीइंग कितना टाइम लगने वाला है. जितना टाइम लगने वाला है आप उसके हिसाब से जाओ. दिस विल बी कॉल्ड एज अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम, नॉट एज अ फीडबैक सिस्टम. ट्रैवल करने से पहले यू ट्राई टू बी थिंकिंग लाइक यू नो कि कितना टाइम लगेगा बेस्ड अपॉन सम काइंड ऑफ थिंग. इन दिस केस ए गूगल मैप्स. ओके. तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम. तो दिस इज बेसिकली जो होने वाला है उसको आप पहले से ही कंट्रोल करने का ट्राई करते हो थ्रू सम पर्टिकुलर मेजर्स. करंटली अपना जो सिस्टम है ना वो फीडबैक सिस्टम है, बट वी आर अबाउट टू बी शिफ्टिंग टू फीड फॉरवर्ड सिस्टम. ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग अवे दिस आंसर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू केस स्टडी एंड थियरी बुक जो आप लोग का है, उसका चैप्टर नंबर 11 जो बजटरी कंट्रोल है उसका एक केस स्टडी नंबर 1 है. ठीक है. मैंने आंसर के अंदर भी बिल्कुल वही वाला चीजें लिखा हुआ है. देखो करंटली जो अपना है फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, लाइक यू नो स्टेज 1 के अंदर वी फिल इन द क्रीम इन द कंटेनर्स, सेकेंड के अंदर कंटेनर के ऊपर सीलिंग वगैरह वो कर देते हैं, थर्ड के ना वे करते हैं. अगर वे करके पता चलता है दैट क्रीम इज लेस, देन इन दैट केस वी ट्राई टू करेक्ट इट. वी डोंट वांट अ प्रोडक्ट ऑफ लेसर वे टू बी रीचिंग द कस्टमर. तो देन वी ट्राई टू थ्रो अवे दोज पर्टिकुलर थिंग्स. हम लोग उसको कार्टन्स वगैरह के ना नहीं पैक करते, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली अ लॉट अमाउंट ऑफ कॉस्ट गेट्स वेस्टेड, जो क्रीम का कॉस्ट है, कंटेनर्स का कॉस्ट है, ऑल दोज थिंग्स. तो अभी हम लोगों ने एक चीज वो सोचा है, इंस्टेड ऑफ अ फीडबैक सिस्टम जहां पे लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट टू बी शिफ्टिंग टू अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम जहां पर क्या हो जाएगा, ये वाले लॉसेस होंगी नहीं, और अगर हो रहे हैं विल करेक्ट देम बिफोर लाइक यू नो द थिंग्स गेट सील्ड. सो देयरफॉर फर्स्ट स्टेज के बाद वी विल डू द वेट बाय पुटिंग अ मशीन इन मिडल. अगर सपोज वेट करके पता चला कि वेट ठीक है तो आगे जाएगा, सील हो जाएगा. अगर वेट कम है विल बी पुटिंग इन द बैलेंस क्वांटिटी ऑफ क्रीम ताकि वेट बराबर हो जाए, देन इन दैट केस द सील विल बी डन. इसकी वजह से योर लॉसेस विल बिकम लीस्ट. ओके. सो दिस इज फीड फॉरवर्ड सिस्टम. ओके. सो फीडबैक फीड फॉरवर्ड आपको इतना ही लिखना था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ जो आप लोगों को लिखना चाहिए मैंने बोल्ड के अंदर एंड के अंदर लिखकर ही दिया है कि ये न्यू मशीन खरीदने का कॉस्ट होगा. ट्राई टू इंश्योर कि द कॉस्ट ऑफ दैट इज गोइंग टू बी फार लेसर एज कम्पेयर टू द एडवांटेज दैट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग. वो आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो आपको वो करना पड़ेगा. ठीक है. दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वंस यू ऑल कैन गो थ्रू लाइक यू नो टू फाइंड आउट आप लोगों ने जो मेजर पॉइंट्स वगैरह हुए हैं वो लिखे हैं कि नहीं लिखे. ठीक है. ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2B. ठीक है. तो टिल नाउ वी ऑल हैव डन 2 क्वेश्चंस. अभी क्वेश्चन नंबर 3 से वी ऑल विल बी स्टार्टिंग. अभी ये वाला जो क्वेश्चन था जस्ट इन टाइम का था. ऐसा क्वेश्चन पास्ट के अंदर भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, बट दिस वाज अ सिंपलर वन क्योंकि इन लोगों ने इसके साथ ना वो कैनबैन सिस्टम वगैरह भी डाल दिया था. ओके. कैनबैन तुम्हारे हम लोगों ने टर्म्स के अंदर भी आपकी बुक के अंदर शुरू में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वहाँ पे मैंने जो कैनबैन वगैरह है वो सब कुछ भी एक्सप्लेन किया हुआ है. इट इज़ अ सिग्नल एसेट विच इज गिवन लाइक यू नो कि डिमांड आ गया है. तो लेट मी स्टार्ट, आई विल कम बैक टू ऑल दीज थिंग्स. A new startup venture ABC Limited has successfully entered into its first contract with the offshore pharmaceutical to supply one of the high demand generic medicines. ठीक है. Expected demand of the medicine
will be 98,000 units annually. The plant holds a maximum capacity to 25,200 units per quarter, but it can additionally produce 14,000 units per quarter in overtime. ठीक है, तो अपना max capacity 24,200 है, हम लोग overtime के लिए 14,000 और बना सकते हैं. We make the medicines, we are like you know a pharmaceutical company. ठीक है, आगे, total fixed storage are expected to be 16,80,000 for all the quarters. ठीक है, now all the quarters, I assume कि 16,80,000 is for the all four quarters combined. Okay, you can assume it to be an individual thing also. मेरे ख्याल से final answer तुम्हारा वो same ही रहेगा. Now उन लोगों ने per quarter वगैरह वो नहीं दिया, so I assume कि like you know वो total ही था. आगे, each unit produced in overtime will incur additional cost equivalent to 32% of expected variable cost per unit of the quarter. वो लोग क्या बोलते हैं, अगर overtime के अंदर कोई भी product बनाया ना, तो 32% का तेरा extra खर्चा होगा. चलो ठीक है, expected sales and variable cost per unit for all the quarters are given below. ठीक है, तो sales quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 के अंदर इतना 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 होगा. याद रखना, इधर ओवरटाइम की जरूरत नहीं, 25,200 के ऊपर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है, यहां पर है. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो अनलाइक द क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव डन इन क्लास व्हिच वाज फार टफर, जहां पे मटेरियल लेबर वगैरह सब कुछ था, यहां पे ऐसा कोई झंझट ही नहीं है. डायरेक्टली उन लोगों ने तुम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट निकाल कर ही दे दिया. द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन प्लान. क्या द चॉइसेस आर, फर्स्ट प्रोड्यूस एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 24,500. 24,500 वो कैसे आता है, शायद 98,000 अपने को सप्लाई करने का था एन्युअली, तो डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल से 4 कर देंगे. ठीक है, सो हर क्वार्टर के अंदर 24,500 वो बना देंगे. अगर कम बिकेगा तो स्टॉक के अंदर रहेगा, तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट आएगा. अगर आप लोग पुश सिस्टम फॉलो करते हो, पुश सिस्टम, तो आप लोग का कैरिंग कॉस्ट आता है ना यार. अगर आपको कैरिंग कॉस्ट नहीं चाहिए तो आप लोग जेआईटी पर शिफ्ट हो जाओ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पुल सिस्टम. अच्छा, पुश सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आता है, कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी 7.8 पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर क्वार्टर. वैसे भी मेरे ख्याल से कैरिंग कॉस्ट इज बेस्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होनी. आगे, यूज अ जीआईटी सिस्टम, अज्यूम दैट नो बैलेंस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज देयर. ठीक है, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेविंग्स इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बाय जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम. चलो ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट ए हो गया. ठीक है, एडवाइज द कंपनी ऑन द चॉइस ऑफ द प्लान. चलो ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट बी हो गया. अभी ध्यान से जरा सुनना. अभी सबसे पहले कैलकुलेशन के अंदर देखो, अगर आप लोग पुश सिस्टम फॉलो करोगे ना, तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए. आप लोग हर मंथ के अंदर, सॉरी हर क्वार्टर के अंदर इतना बनाने वाले हो, तो ओवर टाइम वगैरह नहीं आने वाला. तो डायरेक्टली क्या कर लेंगे, 24,500 इंटू वेरिएबल कॉस्ट 36,36,39,42. ठीक है, इतना आप लोग प्रोडक्शन कर लेना. ठीक है, तो आप लोग को हर क्वार्टर का कॉस्ट वगैरह वो मिल जाएगा, तो सबको ऐड कर लेना, पूरे साल का कॉस्ट मिल जाएगा, प्लस आपका फिक्स स्टोरेज का खर्चा. लेकिन उसके अलावा आप लोग का कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, बोले तो होल्डिंग कॉस्ट. उसके कैलकुलेशन के लिए एवरेज स्टॉक चाहिए. तो देखो मैंने यहां पर कैलकुलेशन के अंदर क्या किया. वैसे दिस क्वेश्चन वी ऑल हैव डन, अ बिग क्वेश्चन लाइक दिस, फार टफर वन, वो आपके प्रैक्टिकल बुक के अंदर चैप्टर नंबर 22 के अंदर था, जो जीआईटी वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला. और वहां पर चैप्टर नंबर 0 जो अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला है, वहां पे वो कैनबैन सिस्टम के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था, वो उधर वो प्रिंटेड है. ठीक है, सुनो, तो देखो यहां पर अगर हम लोग करंट सिचुएशन बोले तो पुश सिस्टम, ओके, करंट सिचुएशन बोले तो पुश सिस्टम. ठीक है, पुश सिस्टम के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, दैट इज 98,000 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड जो बुक के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, दोनों का टोटल ऑब्वियसली इज 98,000, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही बिकेगा. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मैंने कैसे कंप्यूट किया, जितना भी यूनिट्स बनाओगे इनटू वेरिएबल कॉस्ट, शायद 36, 36, 39 और 42. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये वाले आंसर आ गए. फिक्स स्टोरेज तो वैसे भी दिया हुआ है 16,80,000, और अपने को एक कैरिंग कॉस्ट चाहिए. ठीक है, कैरिंग कॉस्ट है ये, कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 7.8, बट इट इज एट द रेट ऑफ 7.8 ऑफ एवरेज स्टॉक ना. तो एवरेज स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर केस ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है. चलिए ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक शुरू में तो जीरो था, वो तो क्वेश्चन के नहीं दिया हुआ है. प्रोडक्शन आप लोग इतना करोगे, ठीक है, उसके बाद सेल्स आप लोग इतना करोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस सेल्स. ठीक है, तो आप लोग को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा. उसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है बेटा, ओपनिंग
प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू, वो मैंने वो इधर कर लिया, जितना भी ये एवरेज स्टॉक आया ना अपना एट द रेट ऑफ 7.8 आप लोग कर लेना, तो आप लोगों को यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट वगैरह भी मिल गया, तो इतना कैरिंग कॉस्ट आपका जीआईटी सिस्टम के अंदर बच जाएगा क्योंकि उन लोगों ने वो वाला चीज वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बोले तो एक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और ये होल्डिंग कॉस्ट, इट्स उसका टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली वो इतना आ जाता है, आप एक बार जो कैलकुलेशंस है वो कर लीजिएगा। अच्छा, जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कैरिंग कॉस्ट तो नहीं आता, सो दैट बिकम जीरो। जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही बेचोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है। तो 13,300 इतना इतना इतना, ठीक है, ये सब के लिए मेरा नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट तो लग जाएगा। सो देयरफॉर दिस इंटू 36, दिस इंटू 36, दिस इंटू 39, दिस इंटू 42, आपका एक नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट तो लग ही जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर ओवर टाइम हुआ उस ओवर टाइम के ऊपर आपको 32% एक्स्ट्रा लगेगा, तो यहाँ पे ओवर टाइम के ना 700 यूनिट आएंगे क्योंकि 2,500 के ऊपर ही ओवर टाइम होता है, तो 700 यूनिट्स इंटू 39, थर्ड क्वार्टर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू 32%, क्योंकि नॉर्मल 100% तो इसके अंदर इंक्लूड हो ही गया ना बेटा, तो अभी सिर्फ एक्स्ट्रा वाला इंक्लूड करेंगे। सेम वे यहाँ पर कितने यूनिट्स है, 35,000 माइनस 25,200, तो वो कितना हो जाता है बेटा 9,200 इंटू क्वार्टर फोर के अंदर 42 रुपीज का खर्चा है इंटू 32% का ओवरटाइम प्रीमियम, ठीक है। एक बार वो वाला कॉस्ट आ जाएगा, सो देयरफॉर दिस विल बी गिव यू योर वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल बी गिविंग यू योर ओवर टाइम का वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओके, और ये वाला कॉस्ट मेरे ख्याल से तो आने नहीं वाला, दिस विल बी योर कॉस्ट एज सच, ठीक है। तो पहले जो तुम्हारा कॉस्ट था 56,90,000 के आसपास कुछ था, अभी 56,36,000, तो यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, सेविंग्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, दिस वॉज योर पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट बी पर चलते हैं। पार्ट बी के अंदर वो लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एडवाइस करो, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा यहाँ पर वो लिखा हुआ है, एडवाइस द कंपनी ऑन द चॉइस ऑफ द प्लान, जिधर भी आपका कॉस्ट वगैरह कम होएगा दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, यू कैन एडवाइस दैट। नाउ पार्ट बी के ना मैंने वही वाला चीज लिखा है, देखो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स इट इज बेटर टू गो फॉर द जीआईटी सिस्टम, लेकिन याद रखना जीआईटी सिस्टम दिखने के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस टू बी डन, खासकर जो जीआईटी परचेजिंग और प्रोडक्शन सिस्टम है, लाइक यू नो द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द जीआईटी सिस्टम, जहाँ पे सप्लायर शुड सप्लाई एज इन मेन रिक्वायर्ड, जो ऑर्डर कैप्चर है वो बराबर से होना चाहिए, यू शुड ट्राई टू हैव स्मॉलर बैच साइजेस, जो सेटअप टाइम है वो कम होना चाहिए, वर्कर शुड बी मल्टी स्किल, दे शुड बी एबल टू रन टू मल्टीपल मशीन ताकि द गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फास्टर, TPM और TQM भी इम्प्लीमेंट वो होना चाहिए ताकि लाइक यू नो द गुड्स आर सप्लाई टू द कस्टमर्स एट द फर्स्ट टाइम, तो ऑल दोज थिंग्स यू विल हैव टू बी राइटिंग ओवर हियर, बट इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर दैट GIT इज अ पुल सिस्टम दैट रिस्पॉन्स टू द डिमांड, इट कम्स विद लॉट ऑफ कंडीशंस, मैंने सारी चीजें वो नहीं लिखी, फ्यू ऑफ द थिंग्स आई हैव रिटन, आप लोग वो सब कुछ भी लिख सकते हो जो मैंने अभी अभी बोला, वी शॉर्टन द सेटअप टाइम्स, वी मैच द स्पीड ऑफ द डिफरेंट मशीन्स सो एज टू रिड्यूस द WIP इन्वेंट्री, मेरे ख्याल से ये वाला चीज मैंने वो थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर भी बोला था, वर्कर शुड बी तो मल्टी स्किल, दे शुड बी एबल टू रन द मल्टीपल मशीन्स, रिपेयर मशीन्स एज इन मेन रिक्वायर्ड, जो TPM के अंदर होता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑब्वियसली मटेरियल हैंडलिंग कम हो जाता है क्योंकि सप्लायर विल सप्लाई द मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यहाँ पे वर्कर लोग का आइडल टाइम जो है वो कम हो जाता है बिकॉज द वर्कर्स आर मल्टी स्किल, दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू नो अगर सपोज दे आर आइडल फ्रॉम वन प्लेस दे कैन स्टार्ट टू बी डूइंग द अदर थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग TQM के साथ इसको इम्प्लीमेंट वगैरह वो करोगे तो ऑटोमेटिकली डिफेक्ट्स वगैरह भी कम हो ही जाते हैं, एंड कंपनीज कैन ऑलवेज केटर टू द कस्टमर्स डिमांड फास्टर, और कस्टमर को हमेशा नया प्रोडक्ट्स ही मिलता है, ये नहीं कि पुराना स्टॉक वगैरह मिलता, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक से मोबाइल्स अप एंड सो ऑन, जहां पर लाइक यू नो द ट्रेंड्स चेंज वेरी फास्ट, और से लाइक यू नो द टेक्सटाइल जो कपड़ा वगैरह होता है तो वेरेबल लाइक यू नो द फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फास्ट। अच्छा, लेकिन डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली भी हैं, देयर इज लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज रिक्वायर्ड, वो शायद ना हो, कभी अगर डिमांड बहुत ज्यादा आ गया देन इन दैट केस देयर विल बी शॉर्टेजेस, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर योर ओवर टाइम कॉस्ट कैन बी इंक्रीजिंग, जो इस क्वेश्चन के अंदर भी हुआ, स्पेशली इफ यू ऑल डोंट हैव द रिसोर्सेज देन इन दैट केस, लेकिन अगर आपके पास यहां पर वर्कर्स ओवर टाइम करने के लिए नहीं है, इट बिकम अ प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ द सप्लाई डज नॉट सप्लाई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंटायर सिस्टम विल स्टार्ट टू बी गोइंग डाउन एज सच, हम लोगों ने सप्लायर को बोला भाई सप्लाई एग्जैक्टली एट द टाइम दैट वी रिक्वायर, इफ ही डज नॉट सप्लाई मेरा आगे वाला प्रोडक्शन वगैरह तो हो ही नहीं पाएगा, कस्टमर भी डिसेटिस्फाइड हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट क्या था,
मैंने ये चीज आंसर किया है, स्टेट एनी फोर प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ जीआईटी इन्वेंटरी सिस्टम, एक्सप्लेन व्हाई कैनबैन एंड मशीन सेल्स आर क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर जीआईटी इन्वेंटरी सिस्टम। अभी कैनबैन क्या होता है, इन रियलिटी कैनबैन मीन्स ए सिग्नल, लाइक यू नो हम लोगों को हमारा जो सेल्स टीम है एक सिग्नल देता है कि आप इतना यूनिट्स बनाओ, तो वो वाला सिग्नल जैसे ही प्रोडक्शन टीम के पास पहुंचा दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन टीम विल गिव अ सिग्नल टू द सप्लायर, सप्लाई मी दिस मच अमाउंट ऑफ मटेरियल। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वन ऑफ योर प्रोडक्शन विल नेवर एवर हैपन इन द वे दैट यू वॉन्ट। बेसिकली पुल सिस्टम क्या होता है, कस्टमर ने जैसे ही डिमांड दिया वी डू द प्रोडक्शन एंड वी ऑर्डर द मटेरियल इन द क्वांटिटी दैट वी ऑल रिक्वायर। उसके लिए दिस कैनबैन सिस्टम इज ऑफ ग्रेट यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कैनबैन सिस्टम पूछा, मशीन सेल्स बोला, मशीन सेल्स हम लोगों ने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया हुआ है। अगर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वाला मतलब इफ द सिमिलर मशीन्स आर नॉट, इफ द सिमिलर मशीन्स आर नॉट ग्रुप नो योर प्रोडक्शन विल नेवर एवर हैपन फास्टर। तुम्हारा टाइम एंड मोशन स्टडी का फंडा ही कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वर्कर्स विल बी जस्ट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरिंग लॉट अमाउंट ऑफ WIP स्टॉक्स, देयरफॉर यू ट्राई टू क्लब द मशीन्स। इसके लिए जब हम लोगों ने वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी किया था, मैंने वहां पे आप लोगों को कई चीजें वो बताया भी था कि जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है इन दिस केस वो कैसे काम करता है। इट हेल्प्स लाइक यू नो टू रिड्यूस द सेटअप टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल कीप ऑन बिकमिंग लेस। यू कैन ट्राई टू हैव द कन्वेयर बेल्ट्स इन मिडिल, द WIP स्टॉक विल फॉल, वर्कर्स विल बी एबल टू रन लाइक यू नो मोर नंबर ऑफ मशीन, देयर विल बी अ यू शेप ऑफ मशीन, जो मैंने तो वो बोला भी था। बेटर शेड्यूलिंग दैट हैपन्स इन केस ऑफ द GIT सिस्टम एंड स्पेशली अगर सपोज मशीन सेल्स वगैरह का फंडा होगा, विल बी फार बेटर। उसके बाद इंप्रूव्ड इंक्रीज यूज ऑफ द इक्विपमेंट एंड मशीनरी, हेंस रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे ना मशीन विल नॉट रिमेन आइडल, क्योंकि जैसे ही एक मशीन ने काम खत्म किया द मटेरियल विल गो टू द नेक्स्ट मशीन थ्रू द कन्वेयर बेल्ट, तो ऑटोमेटिकली द यूटिलाइजेशन बी फार फास्टर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द GIT सिस्टम वर्सेज EOQ। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ही आप लोग की बुक्स के अंदर वगैरह वो नहीं है, लेकिन EOQ यू ऑल हैव डन इन पास। EOQ का फंडा क्या है, आप लोग इतना कॉन्स्टेंट मटीरियल ही खरीदते रहो, जब भी मटीरियल कम होके रीऑर्डर लेवल पर चला जाएगा देन इन दैट केस यू ऑल ऑर्डर अगेन। वहाँ पे तुम्हारा मेरे ख्याल से एक ऑब्जेक्टिव रहता है TCA एंड TCI, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरी कॉस्ट शुड बिकम लेस। GIT सिस्टम्स के ना वी ऑल से नहीं, हम लोग कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं ऑर्डर करेंगे, जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर इन दिस केस आप लोग को ये वाला चीज बोलना है। एंड याद रखना GIT इज अ कल्चर, ओके, इट इज लाइक यू नो अ वे दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन। सो देयरफॉर वहाँ पे वर्कर शुड बी टैलेंटेड, द वर्कर शुड बी स्किल्ड, वी शुड बी एबल टू कैप्चर द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स, ताकि यू नो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड ओवर टू द प्रोडक्शन। तो आपको ये सब कुछ जो है तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे स्टेट एनी फोर एरियाज इन विच GIT परचेजिंग मे रिड्यूस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट एफिशियंसी। GIT परचेजिंग आप लोगों का कॉस्ट जो है वो कैसे कम करता है आपको वो मैंशन करें। GIT प्रोडक्शन नहीं, परचेजेस। तो देखो अभी ऑब्वियसली इन दिस केस नो, सबसे पहले वो आपका वेस्ट वगैरह कम कर देगा, हम लोग उतना ही मटेरियल खरीदेगा जितना अपने को चाहिए, तो अपना वेस्ट वगैरह जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टॉक। जो अपना वेस्ट वगैरह होता है, अपना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स। प्लस इफ यू परचेज मोर मटेरियल, जैसे आप लोग के वो EOQ वगैरह के अंदर होता है, देन इन दैट केस मटेरियल खराब भी तो हो ही जाएगा। GIT के ना वो सारे पंगे नहीं आते। आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, आपका फिर जो वेयर हाउसिंग का कॉस्ट, उसके रेंटल्स वगैरह, फिर जो स्टोरमैन होगा, वो सारे खर्चों की नहीं पड़ती, क्योंकि मटेरियल्स इज डायरेक्टली टेकन बाय अस व्हेनेवर वी ऑल रिक्वायर दैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस उन लोगों ने यहां पर क्या बोला था, स्टेट एनी फोर एरियाज इन विच GIT परचेजिंग में रिड्यूस द कॉस्ट तो सिग्निफिकेंटली। एक तो तुम्हारा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो ही जाता है, एंड इट माइट हेल्प यू इन दिस केस लाइक यू नो टू रिड्यूस योर क्वालिटी कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइसेस आप लोग बढ़ा सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, यू कैन ट्राई टू बी मेंशनिंग देम इन टू मैनर्स। फर्स्ट कि लाइक यू नो आई विल इंश्योर कि मैं सप्लायर को बोलूँ भाई तू ही इंस्पेक्शन करना और तू मेरे को टॉप नॉच मटेरियल भेजना, तो मेरा यहाँ पे इंस्पेक्शन कॉस्ट वो सब कुछ कम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वालिटी विल ऑल्सो बी बेटर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइसेस कैन बी इम्प्रूव। तो अपना यहाँ पे जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है, जो इंजीनियरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है,
all those things you all can be mentioning, and this in long run, one more benefit, like, you know, reduced cost can also be, like, you know, told in form of increased prices. The quality will be far better. Main inspection वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा material ही आता है. So in long run, it will help me to increase the prices of my products also. ठीक है, this was your question number 3. Question number 3 was supposed to be a 20 marks question. Okay, so नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वहां पे क्वेश्चन के साथ तो थियरी वगैरह भी था. ठीक है, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 4A स्टार्ट करते हैं. सुप्रीम ऑटोमेशन लिमिटेड सैल इज लीडिंग AI बेस्ड होम ऑटोमेशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म. सैल स्टार्टेड इज बिजनेस अराउंड 5 years बैक व्हेन इट वॉज द ओनली मैन्युफैक्चरर सम ऑफ सच होम ऑटोमेशन सिस्टम. तो वो लोग एक कंपनी है जो होम ऑटोमेशन करता है. SAL manufactures all assembly components themselves, irrespective of the fact that these components can be acquired from the market at a cheaper rate. इसको वन करके I'm just writing. ठीक है, major component of the total cost in manufacturing such automation system is a variable in nature. ठीक है, company was performing well, earning reasonably and enjoyed a large market share up to 2 years ago, majorly due to the first mover advantage. तो बहुत, मतलब वो पहले, वी वर द फर्स्ट पीपल टू एंटर इन टू द होम ऑटोमेशन, तो इसके लिए इन बिगिनिंग, लाइक यू नो, वी एंजॉयड गुड रेप्यूटेशन. आगे, हाउएवर विद रफ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, इंक्रीज इन राइवल कॉम्पिटिशन एंड न्यू एंट्रेंस कमिंग इन टू द मार्केट, द रिजल्टिंग मार्केट शेयर देयर बाय प्रॉफिटेबिलिटी हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग. तो कॉम्पिटिशन वगैरह वो आ गया, जब तक वो नहीं था वी आर डूइंग गुड, लेकिन एक बार वो बढ़ना स्टार्ट वो हो गया देन वी आर डूइंग बैड. ठीक है, इफ द मेजर स्टेप्स आर इमीजिएटली टेकन द कंपनी, इफ नो मेजर स्टेप्स आर बीइंग टेकन द कंपनी मे रन इन टू रेड मतलब लॉसेस इन द ईयर टू बी कमिंग. ठीक है, CEO ऑफ सैल अटेंडेड अ वर्कशॉप वेयर बाय ही लर्न अबाउट द लीन मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, He asked Mr. X, the chief accountant, to report underlying reasons behind company's current performance with the available set of possible solutions. Mr. X immediately convened a meeting with the top ranked officers to address the issues. Okay. The marketing department confirmed that it's difficult to maintain same level of sales because prices of SAL is much higher than the price offered by the competitors with similar quality and features. I think this is also a problem only just I am writing the points. Again, the customer relation department convened that popularity of their product is declining. Theek hai? They quoted that they receive a lot of complaints from the buyers in emails and telecalls due to the manufacturing defects which arise in the product within a month of purchases. तो product का popularity जो है वो कम हो रहा है और उसका reason यहाँ पे अपने को दे के रखा हुआ है. ठीक है, they also mentioned that in some cases customer reported that assembled part did not belong to the model they purchased and the customer say assembly is not as per the specifications provided in the product data sheet. ठीक है, In addition, maintenance department affirms that repair issues have, in case of recently sold products, have increased dramatically. Okay, so quality I think is not proper. Again, operations department testifies that first large percentage of workers employed in the company are unskilled. ठीक है, तो अभी तक कितने points है बेटा? 4, तो this is 5th. ठीक है. Large number of raw materials in each category are dumped by the stores at the production floor. That's too well prior to requirement. ठीक है, तो हम लोग excess materials वगैरह भी खरीद लेते हैं, तो वो भी एक problem है. These two reasons cause workers catastrophe in differentiating among the parts that appear similar. तो बहुत सारा material वगैरह वो dump हो जाता है और बहुत सारा material शायद वो दिखता भी same है, तो इसके लिए सब लोगों को confusion वगैरह वो हो जाता है. कौन सा material use करें, तो गलत material use करते जिसकी वजह से कस्टमर का कंप्लेंट्स भी आता था. दे ऑल्सो मेंशन दैट द एंटायर बिजनेस प्रोसेस एस्पेशली द प्रोडक्शन प्रोसेस इज क्वाइट ओल्ड एंड कंटेन्स सर्टन एक्टिविटीज विच आर प्योरली अननेसेसरी. तो उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो भी पूरा का पूरा ओल्ड है. टू दिस डिफेंस द परचेज डिपार्टमेंट आर्ग्यूड अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ डिस्काउंट इन्वॉल्व बिहाइंड परचेजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड ऑल्सो मेंशन अबाउट The possibility of buying too less quantities that may lead to stockout situation. तो जो purchase department है वो क्या बोलता है, हम लोग ज्यादा जानबूझ के खरीदते हैं ताकि अपने को discount वगैरह मिले और अगर कम खरीदा शायद stockout वगैरह भी हो जाए. आगे required.
Prepare a report to advise the CEO, pointing out the factors influencing the current performance and the policies of the company, also with available set of possible solutions. चलो ठीक है. वो लोग क्या बोलते हैं कि करंट परफॉर्मेंस बुरा क्यों है. मेरे ख्याल से मैंने 7 पॉइंट जो है वो बोल दिए. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर आल्सो. आगे अगर तुम लोग को सॉल्यूशंस वगैरह वो देने का है तो दे सकते हो. एग्जांपल के तौर पे अभी ये लोग क्या बोलते हैं, मार्केट से सस्ते के अंदर खरीद सकते थे. हम लोग सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं. आप लोग मेक और बाय वाला एनालिसिस करो. थिंक दैट व्हाट इज चीपर टू परचेज, ट्राई टू परचेज दैट, बट एंश्योर दैट द क्वालिटी इज गुड. उसके बाद अभी वो लोग क्या बोलते हैं दैट यहाँ पे ना नंबर ऑफ राइवल कंपनीज हैव इंक्रीज. ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, अभी ये तो नहीं बोल सकते कि राइवल लोगों को तो वो गोली वगैरह वो मार दो, नहीं. लेकिन इसके बेसिस के ऊपर उन लोगों ने आगे क्या बोला हुआ है कि ना अभी हमारा जो प्राइसेस वगैरह है ना इन दिस केस इज हायर. तो वेन देर आर राइवल्स हु आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, हमारे प्रोडक्ट का कोई ग्रेटनेस नहीं है, तो तुम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते. सो देन इन दैट केस प्राइसेस शुड बी लेस ओनली. सो देयरफॉर ट्राई टू हैव लोअर प्राइसेस, ओके, एज कम्पेयर टू वट एवर यू आर चार्जिंग. हाई प्राइस रख के कोई खरीदेगा नहीं. इट इज बेटर इन दिस केस आप लोग जो प्राइसेस है वो नॉर्मल रखो. तुम्हारा क्वालिटी अच्छा होता तो अलग बात है, वरना क्या करें. आगे वो लोगों ने आगे क्या बोला, कॉन्स द क्वालिटी इज बैड, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. इफ द क्वालिटी इज बैड, ट्राई टू इंश्योर दैट यू फॉलो सम काइंड ऑफ मेथडोलॉजीज लाइक TQM, TPM वगैरह इन दिस केस, ताकि दोज प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर. ठीक है, तो जो भी तुम्हारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स है, ट्राइंग टू लाइक यू नो ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. वहां पर भी अगर आगे वो लिखना चाहो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस, वो सब कुछ भी लिख सकते हो साथ में. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम दो, उसका सोल्यूशन दो. वर्कर्स आर अनस्किल्ड, उनको ट्रेनिंग दो. वैसे भी लाइक यू नो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव स्किल्ड वर्कर्स लाइक यू नो हु कैन ट्राई टू बी एन एसेट टू अ कंपनी रादर देन बीइंग अनस्किल्ड, जिनकी वजह से अपने को लॉसेस वगैरह भी होता है. ट्राई टू परचेज द मटेरियल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ट्राई टू फॉलो अ जस्ट इन टाइम का पॉलिसी. सो उसकी वजह से तुम्हारे पास मटेरियल भी कम होगा, वर्कर लोगों से भी वो वाली गलती नहीं होगी जो करंटली हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी ओल्ड है. Try to think that which processes are required, which processes are not required. आप लोग value analysis वो कर सकते हो because it is the existing product. नया product होता तो value engineering बोलता शायद. Apart from that, you can try to be going for BPR also, तो business process re-engineering. That will try to make your processes quite good. ठीक है, so these are all the 5 to 6 points, okay, the problems and the possible solutions. ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा ये वाला part. आगे part B. TSK Limited is a mobile manufacturing company. एक सेकेंड, इसका जो आंसर है दिस इज सिमिलर टू योर बुक 3 के अंदर केस स्टडी डाइजेस्ट, उसके अंदर केस सिनेरियो नंबर 3 है. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है. जो भी प्रॉब्लम्स वो यहां पर थे वो वहां पर भी थे. ठीक है, सो आई हैव रिटन ऑल दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स. मैंने 6 पॉइंट्स वो लिखे हैं, ऑलमोस्ट लाइक यू नो वट एवर आई हैव स्पोकन राइट नाउ. ठीक है, चलिए. TSK इज अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. द कंपनी इज यूजिंग budgets for control which are prepared on traditional basis. The new CEO of the company wants to change the budgeting system from traditional to beyond budgeting in the company on experimental basis. Therefore, management accountant of the company has assigned you to explore the possibilities of introducing beyond budgeting system. You are required to explain the reasons for taking the approval of the change from traditional to beyond budgeting. Advantages and benefits available in beyond budgeting, the suitability of beyond budgeting to the company. Abhi this I am not going to be discussing much. Jo bhi beyond budgeting ka fund hai, you try to be discussing. Jo bhi advantages or disadvantages hain, you try to be doing that. Especially wherever the changes happen a lot, no? In any company, aajkal to almost like, you know, ye mobile manufacturing company hai. तो यहाँ पर द रोलिंग बजट्स आर देयर, रोलिंग फोरकास्ट आर देयर, द बजट्स कीप ऑन गेटिंग चेंज. सो देयरफॉर यू ट्राई टू हैव द KPIs, यू ट्राई टू हैव द CSF. तो बियॉन्ड बजटिंग इज अ फंडा दैट गोज मच बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बजटिंग, वेयर बाय वी ट्राई टू थिंक लाइक यू नो दैट एक्सटर्नल कंडीशंस दे चेंज वेरी फास्ट. इन केस दे ऑल चेंज वेरी फास्ट, देन इन दैट केस अपने को ये सब कुछ करना तो चाहिए. तो बियॉन्ड बजटिंग का जो भी फंड है यू ट्राई टू मेंशन. ओके, नाउ दिस थिंग इज समथिंग आई एम नॉट गोइंग मच इनटू डेप. वो सेम क्वेश्चन है वैसे तो अपने थ्योरी के अंदर भी है, अपने केस स्टडीज वगैरह के अंदर भी है. सो दैट इज ऑल फाइन. ओके, ये हो गया. आई हैव रिटन द आंसर, सो दैट्स फाइन. अगेन अभी तुम्हारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. ठीक है, अभी ना इस क्वेश्चन का बेटा दो अल्टरनेट था, तो यहां पे और करके भी था.
यहाँ पे पढ़िए, HRY Limited is a leading company in kitchen industry. Due to its competition in the market segment, company is continuously making R&D to develop new product. Product Icon is currently developed and about to be launched in the market. ठीक है, the company has made heavy expenditure to develop this product. ठीक है, this is highly innovative product. Okay. Which the company believes it will change the market and the consumer behavior. Production and promotional cost in launching is going to be quite high. ठीक है, the CEO of the company has decided to use market skimming approach for the pricing this product during the introduction stage. You are required to analyze the reasons for going with market skimming of pricing by the CEO. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप ये reasons बताओ कि उन लोगों को skimming के लिए क्यों जाना चाहिए. मैंने चार reasons mark किए, those four reasons you write down, your answer is finished. Product is a innovative product. Development के लिए बहुत ज़्यादा R&D वगैरह का खर्चा किया. Marketing cost is going to be quite high. Apart from that, in this case, this will help you to change the market. So therefore, अगर ये premium product है, new product है, ऐसा product market के लिए नहीं है, you should try to follow a skimming policy. Charge a very high price to the customers. ठीक है, चलिए. अभी part C start करते हैं. ध्यान से पढ़ना. ABC Limited is a manufacturer of motorbikes. It has two divisions, assembly division A and manufacturing division P. एक सेकेंड, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे वो करके वो रखे हुए हैं जहां पे वी ट्राई टू बी सेइंग लाइक यू नो कि व्हाई यू शुड फॉलो द स्किमिंग अप्रोच. ये वो वन ऑफ सच क्वेश्चंस इज एंड देयर वर 3 to 4 क्वेश्चंस इन द सेम पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो इन एनी केस एक्सटर्नल प्राइसिंग के ना क्वेश्चन नंबर 19 था तुम्हारा. आई हैव रिटन दोस फोर रीजंस ओवर देयर. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4C कर रहे हैं आप लोग, ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला. ABC Limited is a manufacturer of motorbikes. It has two divisions, assembly division A and manufacturing division P. Division P manufactures a part which may be used by division A as well as for the outside customers. So P transfers to A as well as to the outside customers. Okay? So this is a transferer division, this is a transferee division. Again, division A gets its entire requirement for the part from division P. ठीक है, डिवीजन पी ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी. ठीक है, ये अंडरलाइन करना, एट फुल कैपेसिटी विद नो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द ईयर. एज पर कंपनीज पॉलिसी, डिमांड फ्रॉम डिवीजन ए हैज प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल कस्टमर्स. ओके, द डेट ऑफ डिवीजन पी, द डेटा ऑफ डिवीजन पी ड्यूरिंग 2021-22 इज एज अंडर. प्रोडक्शन कैपेसिटी 150 एंड वी आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी. सेल्स टू द एक्सटर्नल कस्टमर 6000 पर यूनिट, तो ये सेलिंग प्राइस है. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 4125. ओके, ट्रांसफर प्राइस टू डिवीजन ए, एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ लॉस सेल्स. ठीक है, आगे टोटल सेल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइस टू डिवीजन पी. ठीक है, आगे सेल्स मेड टू एक्सटर्नल कस्टमर 75,000 यूनिट्स. चलो ठीक है, अभी दिस ईयर देर वॉज एन एडिशनल डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर 27,000 कॉम्पोनेंट्स. हाउएवर, सिंस डिवीजन सी ऑपरेटेड एट फुल कैपेसिटी, दिस डिमांड वॉज नॉट केटर टू. अभी इंस्टीट्यूट के जो भी लोग हैं, ध्यान से सुनो, तुम लोगों को थोड़ा सा सेंस होना चाहिए व्हेन एवर यू ट्राई टू मेक द क्वेश्चन पेपर. ये नवंबर 2022 SCMPE का क्वेश्चन नंबर 4C है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली 10 मार्क्स की वजह से या पास हो गए या फेल हो गए. यहां पर ट्रांसफरर डिपार्टमेंट जो है वो डिविजन पी है. टोटल सेल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर सेल्स टू डिवीजन पी नहीं लिखते, डिवीजन ए लिखते हैं. पी सप्लाइंग टू ए बॉस, तो यहां पे ए होना चाहिए, दैट इज वन थिंग. एक और चीज, डिवीजन सी किधर से आ गया बीच में, डिवीजन सी तो किधर है ही नहीं. सो दीज आर द टू मिस्टेक्स. अभी इसकी वजह से आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या करोगे आई डोंट नो, लेकिन प्लीज मेक पेपर्स इन अ सेंसिबल मैनर. अभी आगे चलते हैं. मैंने तो फिर भी क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व किया है, बट यू ऑल शुड बी केयरफुल इन एनी केस. एक सेकेंड जरा, तो इस क्वेश्चन के लिए सब लोग ऐसा सोचेंगे ये पी नहीं है बेटा, ये ए है. ठीक है, आगे ये वाला भी चीज चेंज करते हैं. दिस ईयर देयर वाज एडिशनल डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर 27,000 कंपोनेंट्स. हाउएवर, सिंस डिवीजन
पी ऑपरेटेड एट फुल कैपेसिटी दिस डिमांड वॉज नॉट केटर टू. चलिए ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर ऑलरेडी दो गलतियां तो हैं, लेकिन चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू बी सॉल्विंग. नो, एनालाइज द सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड यूनिट्स मेड बाय डिवीजन पी टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स. ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, क्या कर सकते हैं. देखो, डिवीजन पी ने टोटल सेल्स कितने का किया, 81 करोड़. इसके ना से मार्केट के ना 75,000 यूनिट्स बेचे एट व्हाट प्राइस यार, 6,000. सो देयरफॉर 75,000 इनटू 6,000 तो ये हो जाता है 45 करोड़. 45 तो मार्केट के अंदर किया, टोटल सेल्स कितना किया 81 करोड़. तो सब्ट्रैक्ट करो 81 माइनस 45, तो ये वाला जो चीज है दैट इज नथिंग बट 36 करोड़. ठीक है, 36 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज सपोज टू बी द टोटल, सॉरी वॉज सपोज टू बी द ट्रांसफर सेल्स फॉर कितना यूनिट्स, 1,50,000 कहने से मार्केट कहने कितने सप्लाई किए 75,000, तो इंटरनली कितने सप्लाई किए बेटा 75,000. सो देयरफॉर 36 करोड़ डिवाइडेड बाई 75,000 तो ये आ जाएगा 4,800. तो करंटली जो ट्रांसफर प्राइस था 4,800 का था. उन लोगों ने क्या बोला, यूनिट्स को बाइफरकेट करो, रुपीस को बाइफरकेट करो, हम लोगों ने वो दोनों कर दिया. तो 1,50,000 कहने से 75 जो है वो मार्केट को गया, 75 इंटरनल. यहाँ का सेलिंग प्राइस 6,000 है, ट्रांसफर प्राइस वाला जो चीज़ है वो 4,800 है. ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा पार्ट फर्स्ट. आगे पार्ट टू, रेकमेंड द ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज दैट विल प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिवीजन ए एंड डिवीजन पी. ठीक है, अभी यहां पे गोल ट्रांसफर प्राइसिंग का रेंज आई थिंक शुड बी बिटवीन 4,800 to 6,000. अच्छा वैसे एक और चीज मैं बोल देता हूं, और वो वाला चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट ना आपको पहले सोचना चाहिए था, बट दैट्स ओके, चलेगा. ये जो 4,800 है ना, ये अपने को मिला, वो कैसे मिला, हम लोगों ने पार्ट ए सॉल्व किया. एक छोटा सा चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू वेरी टफ क्वेश्चंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग दैट वी ऑल हैव डन. एक बार बस बोल देता हूँ, सुनो. प्राइस फॉर एक्सटर्नल कस्टमर 6,000 है, मार्केट के अंदर कितना यूनिट्स बेचा 75,000, तो 45 करोड़ का सेल्स मार्केट के अंदर हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ 81 करोड़. तो बैलेंस ट्रांसफर प्राइस वो ट्रांसफर सेल्स वो हुआ रहेगा डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेटा 75,000. ठीक है, तो 4,800. ये 4,800 ना तुमको एक और वे से भी निकाल के दे सकता हूं. देखो, वो लोग ने क्या बोला, एक ऐसा ट्रांसफर प्राइसिंग बताओ जिससे गोल कॉन्ग्रुएंस जो है वो हो जाए, मतलब ऑल द डिपार्टमेंट्स विल बी हैप्पी. ठीक है, सम के अंदर ना एक और लाइन भी था बेटा, इधर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ये लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पकड़ता है. तो अब जरा सोच कुछ ऐसा, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू टेल द ट्रांसफर प्राइस टू द अदर पर्सन यू विल ऑब्वियसली बी चार्जिंग योर वेरिएबल कॉस्ट. तो 75,000 यूनिट्स वी आर प्रोड्यूसिंग देम एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4,125. ठीक है, 3,093,75,000. तो ये अपना वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, अभी आगे ध्यान से सुनना. अभी उन लोगों ने क्या बोला था, दिस ईयर देर वॉज एन एडिशनल डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर 27,000 कॉम्पोनेंट्स. तो अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि ना मार्केट के अंदर एडिशनल डिमांड था 27,000 कॉम्पोनेंट्स के लिए. ठीक है, एडिशनल डिमांड, एडिशनल डिमांड मतलब अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इन दिस पर्टिकुलर केस यू ऑल सप्लाई टू दी अदर वन. तो अब जरा सोच, तुम लोग फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, 1,50,000. 1,50,000 के अंदर से इन दिस केस 75,000 तो आप मार्केट के अंदर ही दे रहे हो, 75 आप दूसरे को दे रहे हो. ये जो 75 है ना, इसके ये तो 75 आप मार्केट के अंदर दे रहे हो. ठीक है, अभी 27,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा डिमांड आया, लेकिन वो आप केटर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग 1,50,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते. तो अल्टीमेटली दीज 27,000 यूनिट्स यू आर सैक्रीफाइसिंग इन द मार्केट एंड यू विल ट्रांसफर टू द अदर पर्टिकुलर डिवीजन, अदर डिवीजन मतलब ए डिवीजन. तो जो तेरा अपॉर्चुनिटी इधर लूज हो रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन कमाने का, दैट यू लाइक टू बी चार्जिंग. सो देयरफॉर देखो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या किया है, 6,000 जो मार्केट से कमा सकते थे माइनस ये तुम्हारा जो वेरिएबल कॉस्ट है इनटू 27,000. सो देयरफॉर दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको और इसको एड अप करो, दिस विल गिव यू द टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई 75,000, वो भी 4,800 ही आ जाता है. ठीक है, अच्छा अगर तुम लोगों को गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करने का है तो तुम्हारा जो ट्रांसफर प्राइस है ना किधर 4,800 टू 6,000 के बीच में होना चाहिए. क्यों 4,800 बेटा, इतना तो तेरा ही कॉस्ट है इंक्लूडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और 6,000 से ज्यादा तो चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट के अंदर इस प्राइस के ऊपर मिलता है. तो 4,800 टू 6,000 के बीच में किधर ना किधर डील विल बी डन एंड दैट विल मेक बोथ द पीपल हैप्पी एज सच. ठीक है,
क्योंकि 4800 भी चार्ज किया, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रिकवर हो ही रहा है, तो उससे ज्यादा एनीथिंग विल मेक द फर्स्ट डिवीजन हैप्पी एंड एनीथिंग लोअर देन 6000 विल मेक डिवीजन ए हैप्पी, क्योंकि मार्केट से खरीदता तो 6000 का पड़ता। ठीक है, चलिए ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट। ऑल दो क्वेश्चन गलत है बट आई थिंक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की मिस्टेक्स वगैरह क्या है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड एंड ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपनी Assuming the current policy continues, current policy मतलब first division will try to charge to the other division their opportunity cost also. तो एक common sense चीज है बेटा सुन, अगर suppose market के अंदर demand और बढ़ गया, ठीक है, तो opportunity cost और बढ़ जाएगा ना खुद ब खुद। जरा सोचो अगर इस question के अंदर 27,000 के बदले में suppose 37,000 होता तो this figure would have been higher ना। तो अब जरा सोच, अगर फर्स्ट डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना और मार्केट से ज्यादा सेल्स आ रहा है, अगर फर्स्ट डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट से ज्यादा सेल्स आ रहा है, ठीक है, तो फिर ट्रांसफर प्राइस फॉर द सेकंड डिवीजन विल आल्सो बी इंक्रीजिंग और उसके लिए बुरा होता जाएगा क्योंकि उसके लिए कॉस्ट तो बढ़ रहा है। इसका उल्टा भी बोलता हूं, अगर सपोज फर्स्ट डिवीजन अच्छा नहीं कर रहा, मार्केट से सपोज सेल्स वगैरह वो नहीं आ रहा, तो देन अगर फर्स्ट डिवीजन अच्छा नहीं कर रहा, मार्केट से ज्यादा डिमांड वगैरह वो नहीं आ रहा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगा, सेकंड डिवीजन के लिए प्राइस भी कम हो जाएगा। तो जरा सोचो, अगर फर्स्ट डिवीजन अच्छा करे तो सेकंड नहीं करेगा, अगर सेकंड डिवीजन अच्छा करेगा तो फर्स्ट डिवीजन नहीं करेगा, दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग एज सच। ओके, तो ये वाला एक ड्रॉबैक होता है वेन एवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गोइंग टू बी गेटिंग चार्ज। ये वाला चीज किधर भी कवर्ड अप नहीं है, लेकिन शायद अगर आप लोग वो सोचोगे ना, ये क्वेश्चन जैसे वो फ्रेम्ड है तो तुम लोग को स्ट्राइक हो जाना चाहिए था इन एग्जाम्स मेरे ख्याल से। मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है, वेन एवर द डिमांड फॉर द गुड्स राइजेज इन द एक्सटर्नल मार्केट द मार्केट प्राइस राइजेस, मार्केट प्राइस बोले तो ट्रांसफर प्राइस। ओके, आगे वेन एवर द डिमांड फॉर द गुड्स फॉल इन द एक्सटर्नल मार्केट द मार्केट प्राइस मतलब द ट्रांसफर प्राइस। ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर द असेंबली डिवीजन ए एज फॉर देम द रॉ मटेरियल कॉस्ट विल कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन पी। तो डिवीजन पी की परफॉर्मेंस के हिसाब से इन लोग का जो मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि वट एवर पी सप्लाइज टू ए उसके लिए तो वो मटेरियल कॉस्ट है ना, दैट विल कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन। इफ डिवीजन पी डज गुड कॉस्ट फॉर डिवीजन ए विल राइज and their performance will consequently fall. ठीक है, ये एक नया चीज था जो आई से इस पेपर के अंदर वो लेके आया। Although पूरा का पूरा वो क्वेश्चन ही शायद वो डिफेक्टिव है, that I've told. लेकिन मेरे ख्याल से पार्ट थ्री का आंसर जब आई से लेकर आएगा कुछ ऐसा ही लेकर आएगा। आगे does discuss the advantages, disadvantages and behavioral aspects of transfer pricing based upon variable cost method. देखो, कभी भी when one division charges the other division the variable cost plus something वगैरह जो opportunity cost, that is all okay. लेकिन ना फर्स्ट डिवीजन के पास देर इज नो इंसेंटिव टू कंट्रोल द कॉस्ट। कल को अगर सपोज उन लोगों ने ज्यादा भी खर्चा किया, यू आर चार्जिंग द अदर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, तो यू हैव गॉट नो इंसेंटिव एज सच टू बी कंट्रोलिंग लाइक यू नो योर एक्सपेंसेस। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हमको हमारे खर्चे कम करने चाहिए, स्पेशली द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर आप लोगों के खर्चे बढ़ भी गए द अदर गाय विल बी पेइंग फॉर द वेरिएबल कॉस्ट ना। यहाँ पे 4125 इज अ वेरिएबल कॉस्ट, कल को अगर 4200 भी हो जाता है यू विल बी चार्जिंग 4200 to the other person. So this is as such the disadvantage. Advantage तो obviously है ही है कि first division को ना कभी भी loss नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपना variable cost तो charge कर ही रहा है, तो कुछ ना कुछ contribution तो कमाएगा ही कमाएगा। ठीक है, so therefore advantage is what in this case first division cannot make a loss. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज गॉट नो इंसेंटिव इन दिस पर्टिकुलर केस टू बी कंट्रोलिंग द कॉस्ट। इसके अलावा इन केस यू ऑल विश टू बी राइटिंग समथिंग देन आई कैन ट्राई टू बी सेइंग कि ना फर्स्ट डिपार्टमेंट के पास ऑब्वियसली अगर कॉस्ट कम करने का कोई मोटिवेशन नहीं है तो दे विल नॉट लाइक टू इनोवेट ऑल्सो फर्दर। ठीक है, धीरे धीरे जो इनोवेशन है कम हो जाते हैं। सी वेन यू ऑलवेज नो कि योर cost might be bad also, मतलब might be तो higher, but if the other person is bearing, you will not like to be doing the innovation. ठीक है, और third point जो मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है ना, that is exactly the same thing जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि यहाँ पर ना एक चीज जो होएगी होएगी, अगर first division का market के ना demand बढ़ जाता है तो ये division के लिए ना हमेशा transfer price जो है वो बढ़ जाएगा। That will always be like you know something जो एक division के लिए अच्छा है दूसरे division के लिए अच्छा नहीं है। That I have tried to be putting as part 3 over here. ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभी ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, दिस वॉज ऑन थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट, डिट्टो सेम क्वेश्चन वी ऑल हैव डन जस्ट विद डिफरेंट नंबर्स, ऑल द थ्री पार्ट्स आर आइडेंटिकल ओनली। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारी प्रैक्टिकल बुक के अंदर
क्वेश्चन नंबर 13 के तौर पे है, वहां पे प्रोडक्ट्स का नाम ये था, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम कुछ और है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनफैक्ट द बिगेस्ट थिंग, जो एफिशिएंसी रेशियो वहां पर आया था वही वाला एफिशिएंसी रेशियो वो यहां पर भी आता है, ठीक है। और द नंबर से लगे लेकिन एंड के ना जो रेशियो है वो वही आ रहा है। ABS इज अ रिनोन नेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर प्रोफेशनल एंड डोमेस्टिक यूज। द स्क्रीवर डिविजन ऑफ एरॉन इलेक्ट्रिकल्स इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटराइज स्क्रू ड्राइविंग मशीन्स केपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई एंड कमर्शियल लोड्स। दे आर पर्टिकुलरली वेरी पॉपुलर इन ऑटोमेशन प्लांट्स वेयर द टास्क आर प्रीडिफाइंड एंड एक्यूरेसी इज प्राइम कंसर्न। द स्क्रू ड्राइवर डिविजन इज द यार SCR ड्राइवर पता नहीं इसका क्या है। द SCR डिविजन इज प्रेजेंटली मैन्युफैक्चरिंग ओनली 3 मॉडल्स SG100, SG200 एंड SG500 बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनकॉर्पोरेटेड फीचर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो लोग 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये ऑटोमेटेड है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईच स्क्रू ड्राइविंग मशीन नीड्स टू पास थ्रू वेरियस लेवल ऑफ स्टेप्स बिफोर इट गेट्स रेडी, ठीक है। वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड मैनुअल इंटरवेंशन वेयर इन प्रोग्रामिंग ऑफ द प्रोसेसिंग चिप फॉर ऑटोमेशन इज डन पोस्ट इंस्टॉलेशन एंड टेस्टेड बिफोर पासिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज PMPA, मैं वही बोलता हूँ। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ स्क्रिवर डिविजन, स्क्रिवर मेरे ख्याल से वो बराबर है, इज कंस्ट्रेंड बाई PMPA, सो इट इज कंस्ट्रेंड बाई दिस, मतलब इस डिविजन के पास टाइम कम है। द बेसिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द टॉप लाइन एंड प्राइम कॉस्ट इज एज फॉलोज। एक सेलिंग प्राइस है, मटीरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ठीक है। अभी आगे, ऑल ऑफ द प्रोसेस एंड डिविजन एट ES आर ऑपरेटिंग फॉर अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स अ डे। कन्वर्जन कॉस्ट पर आर इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट इज 6720। तो यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर कॉस्ट भी आ गया, तो मतलब दिस इज क्वेश्चन ऑन थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ओके, जहां पर ऑल द कॉस्ट आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड कॉस्ट ओनली एक्सेप्ट मटीरियल। तो ये वाला जो आपको लेबर कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है ना, ये आपको काम में नहीं आएगा क्योंकि दिस इज इंक्लूडेड इन द लेबर, दिस इज इंक्लूडेड इन द कन्वर्जन कॉस्ट ओनली, ठीक है। आगे, द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर PMPA ड्यूरिंग द डे इन प्रोसेसिंग इज ईदर 960 यूनिट्स ऑफ SG100 और 672 यूनिट्स ऑफ SG200 और 384 यूनिट्स ऑफ SG5। बोलो क्या बोलता है, एक दिन जो होता है ना 8 आवर्स का होता है, 8 आवर्स बोले तो 480 मिनट्स के अंदर अगर सिर्फ ये बनाओगे 960 यूनिट्स बना पाओगे, ठीक है। तो 480 मिनट्स के अंदर कितना यूनिट्स बना पाओगे, 960, मतलब हर यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 0.5 मिनट्स, ओके, पर यूनिट। सेम वे 480 मिनट्स के अंदर इतना यूनिट्स बना सकते हो, तो आप लोग को मेरे ख्याल से पर यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए वो मिल जाएगा, या फिर 480 के अंदर आप लोग ये बना सकते हो। एक चीज मैंने क्लासरूम के अंदर भी क्लारीफाई किया था, तो अभी भी कर लेता हूं, एंड दैट थिंग इज, इट्स नॉट दैट आप या सिर्फ ये बनाओगे या सिर्फ ये बनाओगे या सिर्फ ये बनाओगे, ऐसा नहीं है। ये है कि अगर सिर्फ SG100 बनाओगे तो आप लोग 960 यूनिट्स बना सकते हो, अगर SG200 बनाओगे तो 672, अगर SG500 बनाओगे तो 384, ठीक है। आगे, AES इज केपेबल ऑफ मोर सेल्स देन दैट व्हाट दे आर प्रेजेंटली केपेबल टू प्रोड्यूस इन ऑल रेंज ऑफ मॉडल्स, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला था, हम लोग इससे ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, लेकिन ऊपर उन लोगों ने बोल दिया था दैट दिस इज अ कंस्ट्रेंट, इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर। नो, आगे, द CEO ऑफ AES रिसेंटली अटेंडेड अ साइंस एग्जीबिशन रोबोटेक 2002 वेयर बाय ही सॉ रोबोट डेवलप्ड बाय माइक्रो रोबोटिक्स लिमिटेड केपेबल टू असेंबलिंग इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ प्रोसेसिंग चिप टू एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइस। चलिए, ठीक है। You are required to advise a company as a management accountant on the following aspects. On a day, if 576 units, 168 and 144 units of the three components are produced, calculate at what efficiency level current constraint is operational. ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कोई एक दिन के ना इतना 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 यूनिट्स बनाए, तो ये बताओ किस एफिशियंसी लेवल के ऊपर काम किया। इंटरप्रेट द सेम, कंप्यूट द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग सच डे। मैं इसी पार्ट से स्टार्ट करता हूं। देखो, अपने को सबसे पहले एफिशिएंसी लेवल चाहिए। एफिशिएंसी लेवल देखो, एफिशिएंसी का एक मतलब हो सकता है कितना यूनिट, सॉरी कितना टाइम लेना चाहिए था, कितना टाइम लिया, एक दिन के अंदर कितना
टाइम लिया, मतलब कितने घंटे काम किया, दैट इज 8 आवर्स, 8 आवर्स बोले तो 480 मिनट्स। अब जरा ये देख लो कि कितना टाइम लेना चाहिए था, ठीक है, वो वाला चीज भी निकाल लो, कितना टाइम लेना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने आंसर के अंदर क्या किया है, बहुत सिंपल काम किया, एंड दैट थिंग इज बराबर से सुना, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी रेशियो, व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, द थ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपने पास एक दिन के अंदर इतने मिनट्स हैं, अगर उसने सिर्फ एसजी 100 बनाया तो 960, एसजी 200 बनाया तो इतना 672 384, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है फाइंड आउट हाउ मच टाइम शुड इट टेक फॉर वन यूनिट, तो 480 मिनट्स के ना इतना, तो हर यूनिट के लिए 0.5 जो पहले भी बोला था, सेम वे 480 मिनट्स के ना इतना, सेम वे इसके ना इतना डिवाइड कर लो, ठीक है। अभी एफिशिएंसी रेशियो का मतलब क्या होगा, जितना भी यूनिट्स बनाया उसके लिए कितना टाइम लेना चाहिए था, कितना टाइम लिया, तो इतना यूनिट्स बनाया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो कितना टाइम लेना चाहिए था, 588 मिनट्स। हम लोगों ने कितना टाइम लिया बेटा, 480 मिनट्स, तो हम लोगों ने कम टाइम लिया ना, वी आर एफिशियंट, इफ वी आर एफिशियंट, एफिशियंसी रेशियो शुड बी मोर देन 100%, तो न्यूमरेटर शुड बी बिगर, नो, सो देयरफॉर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, दिस अपॉन दिस 122.5% कम्स टू आर एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। अपनी जो एफिशिएंसी रेशियो है दैट इज 122.5, दैट इज 22.5% अबव द नॉर्मल, ठीक है। उन लोगों ने ये भी बोला कि आप प्रॉफिट पर डे भी निकाल के दो, याद रखना प्रॉफिट पर डे के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर याद रखना एक्सेप्ट मटेरियल एवरीथिंग इज फिक्स्ड कॉस्ट, वहां पे कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ था जिसके अंदर लेबर कॉस्ट भी डाल दिया था, सो देयरफॉर इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या करेंगे, देखो यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, तो सेल्स निकालने के लिए 3 यूनिट्स लिए, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस किया, सेलिंग प्राइस तो बेटा क्वेश्चन के अंदर था ना अपने पास, तो सेलिंग प्राइस ये था, ठीक है, तो दीज मेनी यूनिट्स इंटू दिस मच सेलिंग प्राइस, तो अपने को सेल्स मिल गया, सेम वे दोज मेनी यूनिट्स इंटू दिस मटेरियल कॉस्ट, अपने को मटेरियल कॉस्ट भी मिल गया। लास्ट थिंग, अभी लेबर कॉस्ट नहीं लेना क्योंकि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, सो देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, कन्वर्जन कॉस्ट पर आर कितना है, 6720 इंटू 8 आवर्स इन अ डे, मेरे ख्याल से 53,760, तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए था, इतना प्रॉफिट वी विल बी अर्निंग पर डे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट, पार्ट फर्स्ट। अभी पार्ट सेकंड के अंदर क्या पूछा है, कंसिडरिंग द रैंकिंग बेस्ड अपॉन थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो, उसको थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो भी बोलते हैं शायद, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल टू द फर्म। एक मिनट, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, यहाँ पर मिनट के बदले में पर डे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेटा डेज के हिसाब से भी फार इजी है, तो कंट्रीब्यूशन पर डे डिवाइडेड बाय इन दिस केस फैक्ट्री कॉस्ट पर डे, और यार ना फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, फैक्ट्री कॉस्ट बोले तो कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर तुम्हारा लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया रैंकिंग देने के लिए, उन लोगों ने क्या बोला, रैंकिंग शुड बी बेस्ड अपॉन थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो या थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर डे डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे, तो सेलिंग प्राइस लिया, मटेरियल कॉस्ट सप्लाई किया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट का है, इनटू अगर एसजी 100 बनाते एक पूरा का पूरा दिन तो 960 यूनिट्स बनाते, वो लोगों ने क्या बोला कि रैंकिंग बताओ, मतलब एक दिन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनाना अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अगर सिर्फ एसजी 100 बनाओगे तो 960, तो एक दिन का कंट्रीब्यूशन इतने रुपीस का आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर डे डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे, फैक्ट्री कॉस्ट पर डे ऊपर भी निकाला था बेटा 53,760, तो दिस विल गिव यू थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। वैसे अगर इसका एक्चुअल मतलब याद होगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इज अ कंट्रीब्यूशन दैट यू अर्न पर रुपी ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, 1.44 एंड 2.14, तो ये हाईएस्ट है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पार्ट सेकंड ऑफ द क्वेश्चन। आगे थर्ड, अप्लाई गोल्ड रैट्स 5 स्टेप्स टू रिमूव द बॉटलनेक एट स्क्रूवेट डिवीजन। गोल्ड रैट ने ना 5 स्टेप्स वो बोले हुए थे, वो क्या बोलते हैं कि अगर यहां पर कोई भी तुम्हारा प्रोसेस है जो कंस्ट्रेंट के तौर पर है, तो उसको रिमूव करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई करो कि क्या कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे वो PMPA वाला जो प्रोसेस है वो बॉटलनेक है। सेकंड, एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक, एक्सप्लॉइट मतलब यूज इट टू द बेस्ट कैपेसिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ऑलरेडी 100% से ज़्यादा के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर और पॉसिबल है तो ट्राई कर लो इन दिस पर्टिकुलर केस कि और एफिशिएंसी बढ़ सकता है कि नहीं, ठीक है। जो भी नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जिसकी कोई कमी नहीं है, वो चीज़ें आप लोग इग्नोर कर देना, वो एक्टिविटीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोर्थ, रिमूव द बॉटलनेक,
या एलिवेट द बॉटलनेक. इन दिस केस अगर सपोज पॉइंट नंबर टू के बाद भी इट इज स्टिल अ बॉटलनेक, ओके, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन ट्राई टू चेंज हाउ यू ट्राई टू मैन्युफैक्चर. मशीन बदल दो या फिर कोई बीपीआर कर लो या फिर इन दिस केस कोई कैजान कॉस्टिंग कर लो, तो जिसकी वजह से दैट थिंग डज नॉट रिमेन इन कंस्ट्रेंट. लेकिन याद रखना एक बार वन प्रोसेस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, सम अदर मशीन विल स्टार्ट टू बिकम अ कंस्ट्रेंट. और पॉइंट नंबर फोर स्पेशली जब आप वो बोल रहे हो ना, तो वो रोबो मशीन के बारे में जरूर बात करना. द कंपनी कैन थिंक ऑफ रिमूविंग द बॉटलनेक बाय परचेजिंग दिस पर्टिकुलर रोबो. देन इन दैट केस लाइक यू नो वो वाला जो प्रोसेस है बॉटलनेक नहीं रहेगा. लेकिन याद रखना अगर इस मशीन को बदला ये तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन सम अदर मशीन विल बी स्लोअर एज कंपेयर टू दिस, दैट विल बी द न्यू बॉटलनेक. ओके, देन इन दैट केस यू ट्राई टू रिमूव द न्यू कंस्ट्रेंट एंड ट्राई टू रिपीट द प्रोसेस. ये वाला प्रोसेस एक नेवर एंडिंग चीज है, कोई ना कोई चीज हमेशा बॉटलनेक के तौर पर कंपनी के अंदर तो रहेगा. ठीक है, चलिए दिस इज ऑल टूगेदर डन फॉर क्वेश्चन नंबर 5A. क्वेश्चन नंबर 5B करते हैं. ये तुम्हारे चैप्टर नंबर वो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल था. तुम लोग को याद होगा एक बैलेंस स्कोर कार्ड था, परफॉर्मेंस प्रिज्म था, परफॉर्मेंस पिरामिड था, एक ट्रिपल बॉटम लाइन था, एक लास्ट चीज जो था बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. मैंने क्लासरूम के अंदर भी बोला था वो ही एक चीज है जो इससे पहले कभी भी एग्जाम्स के अंदर नहीं आया, इस एग्जाम के अंदर चलो वो भी आई गया. तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी. TVA Multiplex Private Limited is a movie theater chain in India with its headquarter located in Mumbai. Each center has a cinema with a minimum of 8 screens equipped with IMAX and 4DX technology, kuch hoega, and mainstream auditorium. It's the biggest chain of multiplexes showing the latest released movies across the country. The business of cinemas is extremely competitive in all the regions. Each center operates autonomously and the managers are able to offer the best services in terms of customer experience and cleanliness. TMPL mission is to inspire and enhance customer experience by using latex technologies and experience to establish long-term relationship of trust and commitment with clients. TMPL wants to provide their clients highest level of satisfaction with emphasis on best-in-class audio and video services, professionalism, comfort and hygiene, clients' feedback. Theek hai. Company has developed a website whereby it creates blogs, posts high-quality content related to newly released movies. ठीक है, आगे क्या लिखा है. Website is also connected to social media to reach the customers. If a customer searches TMPL services on the search engine, it automatically redirects to the place of nearest TMPL cinemas for the customer's comfort and ease. TMPL majority of the tickets are booked through online channel. चलो ठीक है, तो वो लोग का एक मिशन स्टेटमेंट है और दे ट्राई टू स्ट्रेस लॉट अपॉन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, बेस्ट इन क्लास ऑडियो एंड वीडियो सर्विसेज, प्रोफेशनलिज्म, क्लाइंट्स फीडबैक. ठीक है, आगे रिजल्ट्स फॉर वन ऑफ द सेंटर्स VT सिनेमास आर गिवन बिलो. द कॉलम हेड सेंटर एस शोज एवरेज फिगर्स फॉर ऑल TMPL सिनेमा. ठीक है, तो दिस इज द एवरेज फॉर ऑल द सिनेमास एंड दिस इज द VT सिनेमा. ओके, रेवेन्यू ठीक है, तो एवरेज ऑफ ऑल द सिनेमाज इज दिस, जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं उसका इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इतना. ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करोगे वैसे GP रेशियो अपने को मिल जाएगा. नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स 55-45, नंबर ऑफ जूनियर स्टाफ 28-30, नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स 9650-7505, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज बुक्ड ऑनलाइन एंड कंप्लीटेड 6125-4958, नंबर ऑफ सर्विसेज टेकन फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स 802-755, टोटल टाइम स्पेंट ऑन कंप्लीटिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज इतना यहां पे 12060. आगे नंबर ऑफ न्यू कॉम्बो पैकेजेस, दिस इज 2, दिस इज 3. कस्टमर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फीडबैक फॉर्म शोइंग स्कोर ऑफ 9 or 10, 79%, 88%. तो इसका जो फीडबैक है वो अच्छा है वैसे. ठीक है, आगे
मैनेजर्स आर कैटेगराइज एज सीनियर्स इफ दे हैव बीन क्वालिफाइड फॉर मोर देन 5 years. ठीक है. जूनियर स्टाफ इंक्लूड्स बोथ ट्रेनीज एंड स्टाफ हु हैज बीन क्वालिफाइड फॉर लेस देन 5 years. द वी टी सिनेमाज लॉन्च 3 new combo packages ड्यूरिंग द ईयर. सारी 3 combo packages के बारे में ना यहां पर भी लिखा हुआ था. 3 combo packages. फर्स्ट वाला फ्री फूड कूपन्स ऑफ ₹450 फॉर द बुकिंग्स ओवर एंड अबव 1000. प्रीमियम रिक्लाइनर सीट कॉस्टिंग ओनली ₹260 इंस्टेड ऑफ यूजुअल 520 फॉर 5 day एडवांस बुकिंग. आगे अ प्रॉपर मील चार्ज एट ₹100 विच यूजली कॉस्ट ₹300 फॉर ऑल द कस्टमर्स बुकिंग फॉर मिनिमम ऑफ 6 tickets. ठीक है. तो ये लोगों ने कुछ 3 इनोवेशंस वगैरह या फिर 3 new things उस गए सब डन. दीज 3 combo packages प्रोड्यूस्ड अ रेवेन्यू ऑफ 3,96,000, 3,48,000 एंड 3,24,000. 2 comparable न्यू कॉम्बो पैकेजेस डेवलप बाय अदर सेंटर्स प्रोड्यूस्ड अ रेवेन्यू ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है. कस्टमर्स टू रेट पर्टिकुलर सेंटर फ्रॉम 1 to 10 इन अ ऑनलाइन फीडबैक विद 10 बीइंग द बेस्ट. तो 10 सबसे अच्छा है. आगे The CEO of TMPL has recently attended a webinar and heard about building block model of performance management that was made by Fizzgirl and Moonshad. The CEO is interested in knowing how the dimensions block could be applied at TVA Multiplex Private Limited. Analyze VT Cinema's performance relative to other centers. Obviously, जब analyze performance के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो building block model के हिसाब से ही काम करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये एक चीज हो गई. एक्सप्लेन हाउ स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ब्लॉक मॉडल सपोर्ट द डायमेंशन ब्लॉक इन केस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. सुन, अभी बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर ये जो डायमेंशंस वाला चीज होता है ना, वी से देर आर 2 things. इसके अंदर एक डिटर्मिनेंस होता है और एक रिजल्ट्स होता है. रिजल्ट्स आर ऑफ 2 types. एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है, एक कंपेटिटिव रिजल्ट्स आता है. डिटर्मिनेंस वो वाली चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं. तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 4 चीज़ें थी. एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एक इनोवेशन, एक क्वालिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी. वहाँ पे ऐसी 4 चीज़ें थी, वो 4 और ये 6. तो आपको करना क्या है, ये 6 head के अंदर ना आप लोग सारा का सारा जो डेटा है आप क्लासीफाई करो, फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट करना स्टार्ट कर दो. तो दैट इज व्हाट आई वी आर गोना बी डूइंग एज सच. ओके. तो कुछ ऐसा यहां पर देखो, अभी हर एक चीज किधर किधर जाएगा. एक सेकंड, मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर ना अभी थोड़ा सा एक मिलता जुलता क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट वेरी एग्जैक्ट. ओके, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर आईसीए की बुक्स के अंदर ज्यादा क्वेश्चन तो है भी नहीं. बट देर आर 6 things. 1 is quality, 1 is flexibility, 1 innovation, 1 resource utilization. और results dimensions के ना 2 parts होते हैं, 1 determinants और 1 results. Results के ना 2 चीज़ें होती हैं, 1 financial performance, 1 competitive performance. ठीक है. आप लोगों को बस यहाँ पे हर एक चीज़ पहले आपको classify करो और आप comment करो. अभी ये ना थोड़ा सा subjective answer है. Our answers can be different from ICA's answer. That depends upon how you all think. Okay. मैंने ये वाला चीज़ वो सोचा हुआ है. मैं हर एक चीज़ के बारे में बस वो बोल दूंगा. I might not have written all the things over here, just I wanted to discuss this part. Okay. So quality can be known by customer feedback. Apna jo customer ka jo feedback hai na, that is far better as compared to the other centers. This is one thing whereby I think we are doing fantastic. Aur ye wala jo cheez hai na, that our quality is very good in this case na, in long run will have lot of positive effects. Okay, so this is one thing of quality. Uske baad quality ke andar ek aur cheez hum log include kar sakte hain, number of services taken by the repeat customer. Repeat customers tabhi apne paas aayenge when our quality is going to be good as such. Theek hai. So therefore yahan pe number of services taken from the repeat customers 802-755 apna thoda sa kam hai, but I think one of the reasons ki kam hai kyunki apni website hits hi kam hai. ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपीट कस्टमर्स भी जो हैं वो कम ही हो जाएंगे. अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक रेशो कंप्यूट करना है तो आप लोग कर सकते हो. अगर मैं 802 को 802 डिवाइडेड बाय 9630 करूँ तो इनटू 100, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.3% ऑफ द पीपल टेक लाइक यू नो द रिपीट सर्विस. यहाँ पे 755 है डिवाइडेड बाय 7505%, ये जो आ जाता है दिस अप्रॉक्सीमेटली 10.05. सो देयरफॉर इसको और इसको कंपेयर करोगे शायद अनफेयर है क्योंकि हमारा सेंटर शायद बाकियों से थोड़ा सा छोटा है, मेरे को ऐसा लगता है. सर आपको कैसे पता चल गया? देखो यहाँ पे रेवेन्यू भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स भी कम है,
नंबर ऑफ जूनियर स्टाफ थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद कोई नया सेंटर होएगा इसके लिए, यहाँ पे देर आर मोर पीपल हु आर लाइक यू नो लेसर एक्सपीरियंस। वेबसाइट हिट्स अपनी कम है लेकिन उसके अंदर भी अपना जो रिपीट कस्टमर्स का जो परसेंटेज है ना, दैट इज हायर। तो ये दोनों चीज़ों को मैं क्वालिटी के अंदर काउंट करता हूँ, ठीक है। आगे फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस केस, वो शायद आप लोग नंबर ऑफ वेबसाइट हिट से ले सकते हो, वरना यहाँ पर ना फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ लाइक यू नो हाउ यू ट्राई टू अडेप्ट योर बिजनेस। ओके, तो क्योंकि क्या है, नेक्स्ट वाला जो चीज़ है ना वो इनोवेशन है। अभी इनोवेशन के ना तो गारंटीड बात है मेरे को यही वाली चीज़ वो डालना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यू कॉम्बो पैकेजेस, वो इनोवेशन है शायद। ओके, तो इसके लिए मेरे को नहीं समझ में आया कि ना फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या डालूं, सो आई हैव पुट नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स। ऑल्दो ये वाला जो चीज़ है ना आप लोग कस्टमर के परफॉर्मेंस के अंदर भी डाल सकते हो इफ यू ऑल वांट, ठीक है। चलो मैंने अगर यहाँ पर अगर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये वाला चीज़ डाला, बिकॉज नाउ वी ऑल हैव लॉन्च कि लाइक यू नो द ऑनलाइन सर्विस फॉर बुकिंग द टिकट्स वगैरह, आई थिंक दैट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। आजकल कोई भी जो बंदा है थिएटर जाके टिकट नहीं खरीदता, मोस्ट ऑफ पीपल डू ऑनलाइन, सो देयरफॉर इट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड अपॉन द चेंजिंग टाइम्स। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाउ वी ट्राई टू अडेप्ट टू द बिजनेस, इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस। एक एग्जाम्पल है अबिलिटी टू कोप अप विद अ सडन इंक्रीज इन सेल्स डिमांड, और एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि सडनली एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन, सो देयरफॉर हाउ फास्ट यू मेड योर वेबसाइट इन दिस केस। नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स ऑन एन एवरेज वो इतना है, अपना जो है वो कम है, आई विल स्टिल से वो कम है, इट कुड बी दैट अपना जो सेंटर है थोड़ा सा छोटा है, सो नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स विल बी लेस, और अपना जो सेंटर है एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पर पॉपुलेशन ही कम है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग वगैरह वी आर डूइंग वेरी गुड, सो देयरफॉर इट कुड बी दैट आर लोकेशन के आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है थोड़ा सा कम है, तो ड्यू टू विच द वेबसाइट हिट्स ऑल्सो विल बी लेस होने, ठीक है। आगे, अच्छा जो इनोवेशन वाला पार्ट है, बाकी लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 2 पैकेजेस वगैरह लॉन्च किए, हम लोगों ने 3 किए, और 3 से अपने को जो रेवेन्यू भी मिला है ना तीनों को ऐड कर दो, दैट कम्स टू दिस मच फॉर 3 पैकेजेस ऑन एन एवरेज, दैट कम्स टू दिस। और बाकी लोगों ने 2 किए, वो 2 का ऐड अप करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा, सो देयरफॉर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द इनोवेशन वाला पार्ट वी आर डूइंग वेरी गुड। उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आई थिंक सो यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन विल मीन आर स्टाफ ओनली, देर इज नो अदर रिसोर्स एज सच यार। तो वी आर मैनेजिंग विथ 45 पीपल ओनली, दैट इज आई थिंक क्वाइट गुड। अपना जो जूनियर स्टाफ है शायद थोड़ा सा नया सेंटर वो हो सकता है, सो देयरफॉर लाइक यू नो अपना वो जूनियर स्टाफ है। अभी जूनियर स्टाफ का एक डिसएडवांटेज, उसकी वजह से सर्विस टू द क्लाइंट शायद थोड़ा सा वो पुअर हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए शायद वैसा नहीं होगा, बिकॉज आर रैंकिंग इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। इनफैक्ट वन एडवांटेज नाउ ऑफ द जूनियर स्टाफ इज दैट आर कॉस्ट विल ऑल्सो बी लेस, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे जीपी रेशो भी निकालोगे, लेकिन वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के वक्त निकालता हूँ। एक और चीज, मैंने ऐसा सोचा अगर वो लिखोगे एग्जाम्स के तो बहुत अच्छा है, लाइक यू नो द मैनेजर्स आर दोज पर्टिकुलर पीपल हु ड्राइव योर बिजनेस इन केस ऑफ दिस ऑफ द सिनेमाज वगैरह, हाउ वेल दे कैन मैनेज अप एंड सो ऑन, दैट विल ऐड टू द यूजर एक्सपीरियंस। आप लोग सेल्स पर मैनेजर निकाल सकते हो, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि मैनेजर सेल्स करता है, बट जस्ट एज अ रेशियो अगर ये वाला चीज निकालते हो ना, 45,60,3,000 डिवाइडेड बाई 45 पीपल, दैट कम्स टू 1,01,400। ये मैंने आगे कितना कितना तो लिखा भी होगा, 54,33,450 डिवाइडेड बाई द सीनियर मैनेजर्स ओनली आई एम टेकिंग, दिस इज कमिंग टू 98,790। सो देयरफॉर आई थिंक सो दैट वी आर यूजिंग आवर स्टाफ टू अ गुड एक्सटेंट, वी आर जनरेटिंग मोर अमाउंट ऑफ सेल्स पर सीनियर मैनेजर एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सेंटर्स, ठीक है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के नंबर ऑफ द सीनियर मैनेजर्स एंड जूनियर मैनेजर। आगे रिजल्ट्स के अंदर जो फाइनेंशियल है, अपना रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, बट आई थिंक वन ऑफ द रीजन फॉर दैट कि नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम है। एज आई टोल्ड इट कुड बी दैट शायद अपना सेंटर न्यू है या फिर एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर इन दिस केस द पॉपुलेशन इज ओनली क्वाइट लेस। जीपी रेशो आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कंपेयर करना चाहिए क्योंकि द रेवेन्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट। अपना जो जीपी रेशो है दैट इज क्वाइट गुड, योर जीपी रेशो विल बी दिस फिगर अपॉन सेल्स इन 100, okay, so therefore that thing is quite good। अच्छा, competitive performance के अंदर
आप लोग चाहो तो नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स फिर से भी लिख सकते हो, अगर फ्लेक्सिबिलिटी वाले के अंदर लिख दिए तो अभी अगर यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो भी वो चली जाएगा। एज एट ऑल थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव चीज होता है। नंबर ऑफ न्यू कॉम्बो पैकेजेस भी मेरे ख्याल से इन इनोवेशन ही वाला रिटर्न, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो भी वो चली जाएगा। नंबर ऑफ सर्विसेज बुकड ऑनलाइन एंड कंप्लीटेड वो भी हम लोग एक जगह पर लिख चुके हैं, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा। लेकिन क्या है ना, एक्चुअली कंपेटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, हाउ डू यू ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद द कॉम्पिटिटर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का डेटा नहीं दिया हुआ अपने को, अपने बस हमारे ही बाकी जो सिनेमास वगैरह हैं तो उनका वो एवरेज है, बट आई एम थिंकिंग लेट दैट बी अ कॉम्पिटिटर फॉर अस। ठीक है, तो इन दैट ये वाली तीन चीजों के बारे में बात कर सकते हो। ओके, वरना दीज थ्री थिंग्स वी हैव स्पोकन वो बिफोर ऑल्सो, लेकिन क्या है अगर अपने कोई हेड के ना कुछ केपीआईज वगैरह वो लिखने, देन दिस थिंग शुड बी डन। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे अपने को पार्ट टू के अंदर क्या बोला था, एक्सप्लेन हाउ स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड मॉडल सपोर्ट द डायमेंशंस ब्लॉक इन केस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि ना, जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो अचीव करने के लिए देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक स्टैंडर्ड्स ताकि यू ऑल कैन ट्राई टू मेजर द परफॉर्मेंस। जब भी स्टैंडर्ड्स वो बनाते हो, इंश्योर दैट फर्स्ट इट हैज अ ओनरशिप प्रिंसिपल। तो ओनरशिप मतलब दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट समथिंग, दे शुड बी अ पार्टी टू मेकिंग द स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अगर एक सेल्स मैनेजर है, वेन एवर यू आर मेकिंग द स्टैंडर्ड, सेल्स मैनेजर को बोलो ये वाला चीज़ दैट दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट वी आर मेकिंग, आर दीज ओके और नॉट। क्योंकि इफ सपोज वो बंदे से हम लोग पूछेंगे नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर, नो ही कैन ईजिली बी सेइंग सर जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे दोज आर फॉल्टी सर। स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाओ विच आर अचीवेबल नॉट डिफिकल्ट, एंड स्टैंडर्ड शुड बी इक्वल फॉर ऑल द फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल्स मैनेजर के लिए टारगेट टफ हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए भी होने चाहिए। सारे के सारे जो मैनेजर्स हैं यू शुड बी गिविंग देम इक्वल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ओनली, मतलब इट शुड नॉट बी दैट इट इज टफ फॉर सम एंड लीनियंट फॉर द अदर्स। ठीक है, आगे रिवॉर्ड्स जो होते हैं, वी ऑलवेज से इफ यू वॉन्ट परफॉर्मेंस टू हैपन गिव रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स शुड ऑलवेज बी मोटिवेटिंग। ये नहीं बोल सकते 1 करोड़ का सेल्स कर तो 50 पैसे का बोनस देगा, तो ऐसा नहीं होता। रिवॉर्ड शुड बी मोटिवेटिंग, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेट। ऐसा नहीं बोलने का इफ यू जनरेट 2 करोड़ रुपीज ऑफ सेल्स, नो आई विल एंश्योर दैट यू आर रिवॉर्डेड। नो, यू से एग्जैक्टली कितना रिवॉर्ड मिलेगा, तो कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, से दोज थिंग्स। कंट्रोलेबिलिटी मतलब यू ओनली ट्राई टू ब्लेम अ पर्सन फॉर द थिंग्स दैट ही कैन बी कंट्रोलिंग। उनको वो चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं करो दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कंट्रोलिंग एज सच। ठीक है, तो मतलब अगर सपोज मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ऑल्दो दिस नॉट द क्वेश्चन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन अगर मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर है, आई शुड नॉट बी ब्लेम फॉर सेल्स मैनेजर नॉट डूइंग द सेल्स। ओके, सो आई शुड बी ब्लेम फॉर द वर्क दैट आई एम सपोज टू बी डूइंग। ठीक है, चलिए, ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर से दैट वाज ऑन बजेटरी कंट्रोल कम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो सेकंड वाला था दैट वाज ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6A है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। ड्यूरिंग द एक सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6A नाउ, बराबर। ड्यूरिंग द सेकेंड पीक वेव ऑफ COVID-19 इन April 2021 इन द कंट्री, मेनी पेशेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स नॉन सफिशियंट अवेलेबिलिटी एट द हॉस्पिटल्स। अ प्राइवेट कंपनी ABC लिमिटेड ऑफर्स द गवर्नमेंट टू मैनेज द डिलीवरी एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इन ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ लोकल विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट। ठीक है, ABC लिमिटेड प्लान्स टू मैनेज मैनेज 168,750 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ 6 per metric ton। ठीक है, तो उन लोगों को सेल्स इतना मेट्रिक्स इनटू दिस जनरेट होगा। द कंपनी एस्टिमेट्स दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑल द रिसोर्स विल बी इक्वल टू 1.5 per metric ton एंड फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्रोनोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर रेंट ड्राइवर्स वेजेस फ्यूल मेंटेनेंस चार्ज विल बी इक्वल टू 104,400 per month। चलो ठीक है, इन अप्रैल, ये सारा का सारा ना बजट डेटा है, दिस एंटायरली इज द बजट डेटा। ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या हुआ, इन अप्रैल 2021 ABC लिमिटेड मैनेज्ड 202,500 metric tons लिक्विड ऑक्सीजन एंड रिसीव दिस मच एज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, हाउएवर ABC लिमिटेड पेड 324,000 ऑन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग अर्जेंट परचेज ऑफ PPE किट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट। ठीक है,
In addition, ABC Limited paid 1,10,000 for chronic oxygen tanker and fuel and maintenance and other fixed costs. ठीक है, ये सारा का सारा actual data है. This past April was unusually high with infections and more expected hospitals needed oxygen urgently. Due to time constraint and urgency, ABC Limited resorted to use extra chronogenic oxygen tankers than expected, which were partially filled with liquid oxygen. As a result, ABC Limited had to incur expenses for cryogenic ऑक्सीजन टैंकर एंड फ्यूल एंड एडिशनल ड्राइवर्स वेजेस. चलो ठीक है, तुम लोगों ने ये बोला है कि अपने एक्स्ट्रा खर्चे के हुए प्रिपेयर अ बजट रिकंसिलेशन अलोंग विद सूटेबल एनालिसिस. चलो ठीक है, सुनो अभी ना यहाँ पर अभी ऐसा अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यू अपडेटेड एडिशन के अंदर एक मैंने होमवर्क सेक्शन के तौर पर एक क्वेश्चन डाला था. इनफैक्ट देयर वर टू क्वेश्चंस, ओके, विच वर एक के बाद एक होनी. क्वेश्चन नंबर 49 था, एक क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से सॉरी एक 51 था, एक 52 था, शायद कुछ ऐसा था. ठीक है, नाउ ये आपके 16th एडिशन जो अपडेटेड वाली थी, ओके, इन दैट आई हैड डन दिस. तो इन एनी केस वो आरटीपीस के अंदर भी था शायद, और एक एग्जाम क्वेश्चन के अंदर भी आया था पहले. अच्छा देखो, बजट सोचा था इतना सेल्स करेंगे एट दिस रेट. ठीक है, इतना सेल्स होएगा, असली के अंदर इतना हुआ, ये एक्चुअल डेटा से निकाला, ये अपने को दिया हुआ था. सो देयरफॉर द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, वन इज बजट, वन इज एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट. ये वाला क्वांटिटी यहां पर भी कॉपी किया, और अपना खर्चा 1.5 होना चाहिए था. उन लोगों ने ना 1.5 से वेरिएबल कॉस्ट पे के तौर पे दिया, इसका उन लोगों ने ना ब्रेकअप नहीं दिया, देयर कुड बी मेनी रिसोर्सेज इन इट. ठीक है, उन लोगों ने सच्ची के अंदर क्या बोला, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हुआ रहेगा, इतने ऑक्सीजन वो उसके लिए. ठीक है, सो देयरफॉर ये डिफरेंशियल रेट आ गया 1.6, सबट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन के से फिक्स कॉस्ट मैंने सबट्रैक्ट किया तो यहां पर प्रॉफिट आ गया. तो इस मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए सोचा था इतना प्रॉफिट आएगा, इतना प्रॉफिट आ गया. ठीक है, रिकंसिलिएशन करने का है बेस्ट वे, बजट्स को स्टैंडर्ड मानो, एक्चुअल तो एक्चुअली है, आप लोग वैरियंसेस निकाल लो. तो फर्स्ट वैरियंस इज दिस माइनस दिस, ब्रोकन अप इनटू नेट प्रॉफिट वैरियंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स. नेट प्रॉफिट वैरियंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स कैसे कंप्यूट होता है, उसका दो पार्ट होता है बेटा. उसका दो पार्ट क्या होता है, वन इज सेलिंग प्राइस वैरियंस, अदर इज कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरियंस. मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ही सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि सम के ना फिक्स कॉस्ट लमसम के तौर पे दिया हुआ है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस वैरियंस कैसे कंप्यूट होगा, किस प्राइस पे बेचना चाहिए था, किस प्राइस पे बेचा, इनटू दिस. ठीक है, आगे फिर कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरियंस, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा, इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, तो मैंने वो वाला भी जो वैरियंस है वो यहां पर निकाल दिया. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वाला वैरियंस कैसे काम करता है, भाई वेरिएबल कॉस्ट इतना होना चाहिए था, इतना हो गया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस, दैट इज 202,500. तो आप लोग वो मल्टीप्लाई कर लो तो आप लोग को ये वाला वैरियंस भी मिल जाएगा. ये वाला वैरियंस एडवर्स था. ठीक है, लास्टली फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरियंस, खर्चा इतना होना चाहिए था, खर्चा इतना हो गया, बस आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर मिल जाएगा. इसी के हिसाब से मैंने रिकंसिलिएशन यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर दिया. रिकंसिलिएशन तो कैसे बनाऊंगा, विल स्टार्ट विद दिस प्रॉफिट फिगर, उसके बाद ये वाला वैरियंस तो रिपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसी का ब्रेकअप किया है. तो उसके बाद एक ये वाला वैरियंस रिपोर्ट किया, 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 तो ऑब्वियसली अपने को उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा. अच्छा, नाउ मेजर पार्ट आई थिंक विल बी एनालिसिस वाला पार्ट, कि लाइक यू नो आप लोगों को ये वैरियंसेस देखकर क्या पता चलता है. फर्स्ट अननोन रीजन, वी शुड हैव सोल्ड द थिंग्स एट द रेट ऑफ 6, वी सोल्ड एट व्हाट रेट 5, ड्यू टू दैट 202,500 रुपीज का प्रॉफिट वॉज गॉन. वी शुड ट्राई टू बी फाइंडिंग आउट कि हम लोगों ने लोअर रेट क्यों चार्ज किया, जब अपना प्लान था 6 का हम लोगों ने 5 क्यों चार्ज किया, रीजन फॉर दैट शुड बी नोन. अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरियंस, इतना यूनिट्स बेचना चाहिए था, इतना यूनिट्स बेचा, इनटू स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. अभी इस मंथ के अंदर, दिस वॉज अ पीक टाइम ऑफ कोविड, नो जो सम के अंदर वो लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक लाइक यू नो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस वर मोर. ये तुम्हारा ऑनेस्टली कोई ग्रेट काम वो नहीं है, एक्सेप्ट दैट येस यू कुड केटर टू द इंक्रीज रिक्वायरमेंट, सो देयरफॉर लाइक यू नो यू वर फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच. अगर ज्यादा डिमांड भी आया यू कुड केटर टू दैट, और उसकी वजह से अपने को इतना एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला. वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के लिए 1.5 होना चाहिए था, 1.6 हो गया. नाउ 1.5 और 1.6 का ना अपने को ब्रेकअप नहीं दिया, और ब्रेकअप दिया रहता वी कुड हैव टोल्ड मोर, लेकिन ये वाला चीज आप लोग लिखवा, एज अ ब्रेकअप इज नॉट मच नोन, वी कैन नॉट मच ट्राई टू बी सीइंग, एक्सेप्ट दैट
सम के अंदर एक दो चीजें वो लिखा हुआ है कि ना अपने को यहाँ पे अर्जेंट कुछ ना कुछ वो खरीदना पड़ा, ओके, ड्यू टू विच वी वुड हैव पेड स्लाइटली एट अ हायर रेट. कोई भी आप चीज अगर अर्जेंट के अंदर वो खरीदोगे, कॉस्ट विल बी हायर, नो इन दैट केस. ठीक है, ये वाला चीज. फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस. एक्सपेंडिचर वेरिएंस 104,400 का खर्चा होना चाहिए था, 110,000 वगैरह का हुआ जो सम के अंदर तो वो दिया हुआ है अपने को. सो देयरफॉर 5,600 वो ज़्यादा हुआ. दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ वी हैड टेकन एक्स्ट्रा टैंकर्स ऑन रेंट वगैरह, जिसकी वजह से ये वाला जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो हो गया. नाउ इसके अंदर एक जगह पर आप लोग बोल सकते हो दैट वी वर नॉट वेरी एफिशिएंट इन ट्राइंग टू यूज द थिंग्स, क्योंकि मिनी टैंकर्स रैन लाइक यू नो हाफ फिल्ड ऑल्सो. ओके, तो वो एक चीज आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली लाइक यू नो योर ड्राइवर्स वेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स विल आल्सो बी इंक्रीजिंग बिकॉज द टैंकर्स आर रनिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल आल्सो बी हायर. ठीक है, अभी मेरे को ऐसा लगता है मेजर ऑफ द थिंग्स ओवर हियर ना, लाइक ये जो फिक्स्ड स्टोरेज वाला पार्ट है शायद ये अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ टैंकर्स. ठीक है, जो इन्फेक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है, लाइक यू नो एग्जैक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वाले खर्चे वो बढ़ेंगे, आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. इसके बारे में पता लगाओ और इसका एक ब्रेकअप करने का ट्राई करो टू ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, चलो दिस पार्ट इज डन. लास्ट पार्ट तुम्हारा, ये प्योर जो था वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, सिर्फ मटीरियल वेरिएंसेस एंड नथिंग एल्स, सिर्फ मटीरियल वेरिएंसेस. Yummy Food Limited is known to be leading restaurant in India, offering best in quality foods to its customers at a very reasonable prices. ठीक है, YFL has made credit pioneering efforts and services for over one decade in development of domestic and international cuisines. With its decade-old unique recipes and hygiene, one of the signature dishes is produced by mixing and cooking with three main ingredients A1, A2, A3. It uses a standard costing technique to monitor its cost. The standard material cost for 120 kgs of signature dish is as follows. ठीक है, तो 120 kgs के लिए A1, A2, A3 वगैरह ये सब चीज़ों का कॉस्ट क्या होना चाहिए था? उनकी कोई एक सिग्नेचर डिश है, उसको बनाने के लिए थ्री टाइप्स ऑफ मटीरियल लगता है. ठीक है, A1, A2, A3, 120 बनाने के लिए इतना 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 लगना चाहिए, तो इतना आप लोग इनपुट करोगे, इस रेट के ऊपर वो खरीदोगे, कॉस्ट जो है इतने रुपीज़ का लगेगा. ठीक है, A1, A2, A3 आर ऑर्गेनिक एंड रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, देयर क्वालिटी एंड प्राइस चेंज सिग्निफिकेंटली एवरी ईयर. ठीक है, ऑर्गेनिक है मतलब नेचर वगैरह के ऊपर वो डिपेंड, मतलब वो एग्रीकल्चरल चीज़ें. स्टैंडर्ड प्राइसेज आर डिटर्मिंड एट एन एवरेज मार्केट प्राइस ओवर द लास्ट थ्री इयर्स. तो हम लोग लास्ट थ्री इयर्स का एवरेज पकड़कर वो स्टैंडर्ड जो है सेट कर देते हैं. दैट माइट नॉट बी अ वेरी गुड वे, क्योंकि लास्ट थ्री इयर्स माइट नॉट बी लाइक यू नो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ईयर. आगे, YFL हैड अ परचेजिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग एंड प्राइसिंग. द स्टैंडर्ड मिक्स इज डिसाइडेड बाई द मैनेजिंग पार्टनर having 15 years experience in food recipes. The last time this was done at the time of launching the signature dish was 6 years back. ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने ये जो मिक्स वगैरह, ये जो स्टैंडर्ड मिक्स वगैरह ये सेट वो किया हुआ है ना, वो 6 साल पहले सेट किया था. ठीक है, स्टैंडर्ड मिक्स हैज़ नॉट बीन चेंज सिंस देन. मिक्सिंग एंड कुकिंग प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू सम इवेपोरेशन लॉसेस. ऑनेस्टली वो अपने को पता चल जाता है, क्योंकि 143 के अंदर से सामने क्या बोला बेटा, आउटपुट जो है वो कितना आएगा, 120, तो कुछ ना कुछ लॉसेज वगैरह हैं. इन द करंट मंथ 5520 केजी ऑफ सिग्नेचर डिश वॉज प्रोड्यूस यूजिंग द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट्स A1, A2, A3. इतना मटेरियल सच्ची में लग गया इस कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट जो है सच्ची के ना इतना हो गया. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ प्रोडक्शन मैनेजर रिसीव्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजिंग पार्टनर. दिस स्टेटमेंट कंटेन्स मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस फॉर द मंथ एंड नो अदर फीडबैक ऑन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड. एफिशिएंसी मतलब यील्ड वाला वेरिएंस, उसको हम लोग एफिशिएंसी के लिए ही तो यील्ड वाला वेरिएंस होता है. इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इन YFL. ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ ना जो वराइंसेज हैं सिर्फ प्राइस और यूसेज वराइंस से निकालता है. देखो अभी जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है दैट इज़ फॉर 120 केजीज, लेकिन रियलिटी के अंदर जो एक्चुअल हुआ कितने केजीज के लिए हुआ, 5520. सो देयरफॉर वी नीड टू बी मेकिंग रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर 5520 केजीज. वैसे डिटो सेम क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 49 था. ठीक है, अभी
डिटो सेम क्वेश्चन है, वहां पे भी थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल वगैरह थे एग्जैक्टली इन द सेम पर्टिकुलर मैनर ओनली. ठीक है सुन, अभी देखो जो स्टैंडर्ड डेटा है वो 120 केजीज का है, रिवाइज स्टैंडर्ड 5520 क्योंकि एक्चुअल वॉज 5520. ये मैंने स्टैंडर्ड कॉपी किया, ये मैंने एक्चुअल कॉपी किया, मैंने रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया 5520 के लिए. मैंने टोटल मटेरियल कॉस्ट वराइंस निकाला ऑफ नॉट मच यूज, मटेरियल प्राइस वराइंस जो है इतना एडवर्स आया. ठीक है, A1, A2, A3 का सबका मिला के, तो जो परचेज मैनेजर है ना उसकी वजह से इतना ज़्यादा खर्चा हुआ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, परचेज मैनेजर माइट नॉट बी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि ये जो प्राइसेस वगैरह है ना वो दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप लोग बोल सकते हो दैट ऑल दो परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दिस क्वेश्चन नो, प्राइस वेरिएंस सीम्स टू बी स्लाइटली अनकंट्रोलेबल. अगर तुमको बराबर से कैलकुलेट करने का था ना तो फिर आप लोग क्या कर सकते थे, जरा वो याद करो, Try to revise your standards. Revise your standards. अपन लोगों ने XNT exposed वो किया हुआ है, original standard, new standard. अगर suppose कोई चीज बहुत ज्यादा fluctuate करती है then your actual data might not be comparable with the standard data. तो हम लोग, तुम लोग को याद होगा, हम लोग main variance को दो parts के ना divide करते थे, controllable, uncontrollable. लेकिन उसके लिए मेरे को वो वाले standards चाहिए which are realistic. वो आप लोग comments के तौर पर डाल सकते हो. Apart from that, यूसेज वराइंस जो आपका है ना इन दिस केस वो फेवरेबल है. सो प्रोडक्शन मैनेजर हैज डन अ गुड जॉब इन ट्राइंग टू कंट्रोल द क्वांटिटी दैट वाज यूज्ड. वो लोग यील्ड वराइंस नहीं रिपोर्ट करते. अगर रिपोर्ट करेंगे तो यील्ड वराइंस बेटा कैसे कंप्यूट होता है, एक सेकेंड, प्राइस वराइंसेस कैसे कंप्यूट होते हैं एवरीबडी नोज, इसलिए जस्ट आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग दिस थिंग तो स्लाइटली फास्ट. बेटा प्राइस वराइंस कैसे कंप्यूट होता है, स्टैंडर्ड प्राइसेस माइनस एक्चुअल प्राइसेस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. यूसेज वराइंस कैसे कंप्यूट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइसेस. तो यूसेज वराइंस वॉज फेवरेबल, दैट इंडिकेट्स लाइक यू नो प्रोडक्शन मैनेजर हैज डन अ गुड जॉब. लेकिन ये वाला वराइंस का ना आगे दो पार्ट होना चाहिए, कौन सा वाला, मिक्स वराइंस एंड यील्ड वराइंस. अभी अगर यील्ड वराइंस के बारे में बात करूं, इतना मटेरियल यूज करना चाहिए था, आप लोगों ने कम यूज किया, सो देयरफॉर द प्रोसेस वाज एफिशिएंट, दैट इज वन थिंग जो आप लोगों को बोलना चाहिए. और उसके बाद आपको मिक्स वराइंस कैलकुलेट करने का है तो कर सकते हो. मिक्स वराइंस कैसे कंप्यूट करते हैं, एक्चुअल कंजम्पशन को इस रेशियो के अंदर बांट देना, बस एक्चुअल रेशियो को इस रेशो के अंदर बांटोगे. फिर उसके बाद 6366 का ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कंप्यूट वो किया ही है, ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, और उसका ब्रेकअप जो हो गया वो अपने पास है इधर. ठीक है, और उसका जो ब्रेकअप है वो इधर है अपने पास, बस द जॉब वॉज डन इन टू द स्टैंडर्ड प्राइसेस. ओके, वंस यू ऑल डू दैट, ये वाला भी जो वराइंस था ना ये फेवरेबल था. लेकिन मेरे को ये भी लगता है मिक्स वराइंस ना इन लोगों ने 6 साल से स्टैंडर्ड मिक्स भी नहीं रिवाइज किए, जो इन लोगों को कर देना चाहिए था. सो दीज वराइंसेज दैट वी आर फाइंडिंग आउट ना आर नॉट वेरी रिलायबल. इन लोगों का जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ना दैट इज नॉट वेरी गुड एज सच. ठीक है, तो कंपनी को एक तो मिक्स वराइंस और यील्ड वाला वराइंस भी रिपोर्ट करना चाहिए. एंड इफ स्टैंडर्ड्स हैव बीन रिवाइज, इफ द रेशियोज हैव चेंज, इफ द मिक्स हैव चेंज, द प्राइसेस चेंज एवरी ईयर बिकॉज दीज आर द एग्रीकल्चरल मटीरियल्स वगैरह, देन इन दैट केस दिस माइट नॉट बी अ परफेक्ट वे टू बी कंप्यूटिंग द वराइंसेज. मैंने यही वाला चीज यहां पर भी लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए With this, my job is all together done. मेरे को जो भी काम करने का था, so therefore that I finished with this. मैं ये डिटेल सॉल्यूशन इसलिए इस वक्त बनाया ताकि if there are some people who want to be knowing that whatever you all have written, or like you know वो करेक्ट है कि नहीं, apart from that अपने को क्या लिखना चाहिए था, they all should be aware of that. आप लोग के कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं दोज गाइज हु हैव गिवन द एग्जाम, इन केस दोज गाइज आर इंटरेस्टेड ऑल्सो, देन यू ऑल कैन रिक्वेस्ट अस ऑन अ टेलीग्राम आईडी @AGNX. यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द आंसर पेपर, इन दिस आंसर पेपर आई विल गिव इट टू यू. ओके, प्लीज मेंशन योर नेम, मेंशन योर फोन नंबर, मेंशन योर अटेम्प्ट. अटेम्प्ट कुड ईदर बी इन दिस केस November 22 और May 23. Now, May 23 will be the last time that SCMP will be there in this particular form. Uske baad, under the new course, many things will be changing. Portion might still remain same, thoda sa shayad wo bada bhi jayega, but the pattern of SCMP will undergo a big amount of change. Let's wait for the institute to release the material for that and the pattern for that, and then we will be doing the lectures for that. Okay, so thank you guys. Take care. All the best and see you next time. Bye.